Peru, please check my audio. Can you all hear me? Good afternoon, everyone. Please just confirm me once for the audio part if you all can hear me. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everybody. One day before examination, we are standing and we are going to revise together some really booster things which are very, very relevant for examination. But before we move on with the topic, I just hope that all of you are okay. There is nothing like panic. There is nothing like excessive worry or tension. And you must not do that. I am repeatedly saying on everyday basis, inhale positivity, exhale negativity. और आई विल टेल यू वन थिंग, किसी को भी अगर ओवर एंजाइटी हो या थोड़ी बहुत ही हो, जो भी, एक काम याद से करना, और वो काम ये है कि जिस पल भी बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो या एकदम बहुत इमोशनल फील कर रहे हो और बहुत रोना सा आ रहा है कि यार मतलब आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी अगर ऐसा कुछ है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी रूम में जाके रूम का गेट लगा के, ये मत कहना मैम आगे क्या कराने वाली हो, पेपर देना है, रूम में जाके रूम का गेट लगा के सो दैट कोई डिस्टरबेंस ना हो, यू सिट ऑन अ मैट और यू सिट ऑन अ चेयर और यू सिट ऑन अ बेड कंफर्टेबल पोजिशन में, और तुमको जितना रोना आए उसको रोते जाओ, बट एट दैट टाइम अपने लिए दुआ मांग लो, बिकॉज जिस समय आप रो रहे हो ना उस टाइम एक्चुअली आप बड़े ऑनेस्ट स्टेट में हो, और जिस टाइम आप मोस्ट ऑनेस्ट स्टेट में होते हो ना उस टाइम आपका जो कनेक्ट क्रिएट होता है विद दैट स्पिरिट वो बहुत अलग होता है। उस टाइम अपने लिए दिल से मांग लो और अपना पूरी जर्नी इमेजिन कर लो, वो सारे दिन वो सारे घंटे जिसमें तुम कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे थे, और फिर जैसे किसी अदालत में अपन जज के सामने एविडेंस रख के कहते हैं देखिए ये एविडेंस है तो मेरे ही फेवर में रिजल्ट होना चाहिए, ऐसे ही आप ऊपर वाले से हक से मांगो कि देखिए ये मैंने मेहनत करी है, मैंने इतना इतना लिख कर करा है, मैंने क्लासेस भी अटेंड करी हैं, अब आपका ही बनाया हुआ हूं मैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है मुझ में वो एनर्जी देने की कि मैं पेपर में जाके हिम्मत से कर दूं, तो प्लीज गिव मी एनर्जी, आई डोंट वॉन्ट एनी बडी सपोर्ट बट आई वॉन्ट योर सपोर्ट, यू विल हैव टू सपोर्ट मी, हक से जैसे पेरेंट्स से मांगते हैं ऐसे, तो तुम अपने अंदर फील करोगे बहुत अलग लेवल ऑफ एनर्जी होती है, बहुत अलग, आई कैन नॉट टेल यू बट देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन माई लाइफ एज सच विच ऑलवेज कीप गोइंग, बट अभी तो हाल फिलहाल सो मेनी थिंग्स, बट आई थिंक हार्डली एनी बडी कैन सी इट ऑन माई फेस, एंड ओनली रीजन बिहाइंड दैट आई विल से is that energy which I get after praying. So I'm telling you, this is, you can say, the secret of anybody's success. मेहनत is very important, but जिस point पे तुम्हें लगे पूरे दिन में कि यार एकदम मैं burst out हो रहा हूँ, किसी इंसान के सामने मत रोना बैठ के, because parents के सामने रोगे ना तुम उनका टेंशन लेवल बढ़ा दोगे, वो वैसे ही टेंशन में, उन्हें भी पता है बच्चे का पेपर है, उन्हें भी पता है इतनी फीस खर्च हुई है, उन्हें भी पता है अटेम्प्ट लग गए हैं, जो भी, तो उन्हें मत टेंशन दो, आप वहां टेंशन दो ना जहां से रिजल्ट आना है, पेरेंट्स बेचारे क्या ही करेंगे, उनको जो जो करना था वो सब कर चुके, तो उधर जाके दरबार में अपनी गुहार लगाओ, ठीक है। अब आज का सेशन तुम्हारे लिए जो मैंने प्लान किया है, इम्पोर्टेंट थियोरी फॉर सीए फाउंडेशन आपका एग्जाम, मैं आपको ये बात बताऊं इसको कंपाइल करने के अंदर अच्छी खासी एफर्ट लगी है, लेकिन मैंने छाट छाट के वो क्वेश्चंस निकाले हैं थियोरी के जो बच्चे को कहीं पे भी कंफ्यूज कर करे हैं पास्ट एग्जाम्स में, बट सीधे उन क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं और तुम्हारे लिए जो एफर्ट लगा रही हूँ वो ये कि जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है स्पेशली फर्स्ट जो इनिशियल चैप्टर से आती है मैं वो पूरा करा रही हूँ, मैं पूरा फटाफट फटाफट कॉन्सेप्ट समझा दे रही हूँ, इससे और मैं क्या ही करूँ, मैं सीधे क्वेश्चन पे नहीं जा रही बिकॉज मुझे पता है कई बार बच्चे थ्योरी सही से नहीं करते,
और कई बार क्लासेस में भी थियोरी को उतनी वैल्यू देके नहीं कराया जाता, और एग्जाम में तुम्हें मानो कि कुछ नहीं तो 16 से लेके 20 मार्क्स तक का वेटेज है थियोरी का, जिसमें से कंपलसरी थियोरी नियरली 16 मार्क्स की तो आती ही आती है। तो इससे बहुत वाइटल इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रिजल्ट के ऊपर। तो टुडे सेशन इज डेडिकेटेड टू जिन लोग के ऊपर वाला ना करे लेकिन पास होने के लाले पड़े हैं, यू विल बी एबल टू मेक इट 40। आई एम टेलिंग यू गारंटी, जिन लोग 40 और 60 के बीच में कहीं घूम रहे हैं, एग्जेम्पशन 60+ खींच लोगे। और जिनको चाहिए यार मेरे 80-90+ हो जाएं, ये सेशन तुम्हें बहुत 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 हेल्प करने वाला। अब यहाँ पे हाँ अभी ज्वाइन किया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत अच्छा किया है। YouTube पे सेशन डलेगा, बाकी लोग पूछ रहे हैं, बिल्कुल डलेगा, बिल्कुल डलेगा, क्योंकि मेरे लिए हर बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं सिर्फ वर्ड से नहीं बोलना चाहती, आई ऑलवेज वॉन्ट टू शो इट थ्रू माई एक्शंस। तो सिर्फ बोलने से काफी नहीं होता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जीक्यूट इट। ईच चाइल्ड, चाहे मैं उस बच्चे को जानू ना जानू, अगर वो सीए फाउंडेशन एग्जाम लिख रहा है, तो मैंने भी जीवन में वो फेस देखा है जब मैं खुद अकेले प्रिपेयर कर रही होती थी, एंड आई जस्ट वॉन्टेड कि कोई सही गाइड कर दे, या कोई मेरा टाइम सेव करवा दे, या कोई मुझे वो सारी काम की बातें बता दे जो एग्जाम में होने वाली है और आने वाली है। तो इसलिए एवरी चाइल्ड इज प्रेशियस, आई विल पुट इट ऑन द यूट्यूब टुडे इटसेल्फ। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल यहाँ ज्वाइन करे हुए हैं वो यहीं कर ले, और उनको रिपीट करना हो तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के या रात में एक बार 2x की स्पीड पे देख लें, और बाकी जितने बच्चे हैं वो यूट्यूब से व्यू कर लेंगे तो काम उनका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँ क्या बेटू? अब शुड आई बिगिन? आर यू ऑल सेटल्ड? एकदम सुकून से बैठ जाओ, इस समय दिमाग में कोई सेकेंड थॉट थॉट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही बात होना चाहिए, नॉर्मल एज इफ ऑन अ वन फाइन डे आई एम सिटिंग एंड स्टडिंग एंड दैट्स इट। ऑन वन फाइन डे आई एम सिटिंग एंड स्टडिंग एंड दैट्स इट। कुछ ये नहीं सोचना, इट्स वन डे बिफोर एग्जामिनेशन, डोंट थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स एट ऑल। आई होप दैट्स फाइन एंड लेट्स बिगिन। आई वांट टू सी दैट जोश इन ऑल ऑफ यू। आर यू ऑल हैप्पी, एक्साइटेड? वी आर स्टार्टिंग द सेशन। आई वांट टू सी यू इन द चैट बॉक्स। आर यू ऑल देयर? यस, हेलो, आर यू ऑल देयर? आर वी रेडी? यस, वी आर रेडी टू रॉक, वी आर रेडी टू रॉक। यू आर माई चैंपियंस, आई ट्रस्ट यू एंड आई नो यू विल एक्सेल, यू विल एक्सेल। ये मैंने तुम्हारे लिए रात 12 बजे अराउंड, ये 30th दिसंबर की स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी बना के डाल दी थी। मैंने तुमको इसमें आवर्स से लेकर कहाँ से किस टॉपिक को करना है वो सब बता दिया था। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं विद रिस्पेक्ट टू LDR, तो मैंने उनको लास्ट डे रिविजन क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। अगर अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे चाहिए हो LDR, तो दे कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, पक्का यू विल बी गेटिंग इट श्योरली। अब आ जाएं हम हमारे टॉपिक्स पर। मैं आपको जैसे मैंने अभी कहा पूरा ही कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ थियोरी का, स्पेशली जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें नियरली 9 यूनिट्स है आपके, बस सीट बेल्ट टाइट करो और सीधे बैठ जाओ और सुनते चलो, वो सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, ये जो हेडिंग है आपकी, इसमें आप माने हर एग्जाम में ऑन एन एवरेज एक से दो क्वेश्चन आते ही, ऑन एन एवरेज हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आते ही हैं। वेटेज आप इसी एरिया से 2 से 4 मार्क्स का पकड़ सकते हैं आराम से, कभी कभी इवन 6 तक है। लेट्स बिगिन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सिंपल बात, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि फॉर फॉर ये जरूर इंपॉर्टेंट है समझना, फॉर अकाउंटिंग लीगल सेंस में नहीं बोला जा रहा, लॉ की निगाह में नहीं बोला जा रहा, अकाउंटिंग के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि बिजनेस को और इंडिविजुअल ओनर जो है उसको अलग अलग माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। किस पर्पस के लिए? अकाउंटिंग के लिए। इसी वजह से आपके ओनर के जो घर के खर्चे हैं, घर का किराया, घर में कोई मेड काम कर रही है उसका, बिजली का बिल घर का, बच्चों की फीस, घर के ग्रोसरी के खर्चे, ये सब आपके बिजनेस की अकाउंटिंग में नहीं आते हैं। और क्योंकि इन दोनों को अलग माना गया है, इसी वजह से दो टर्म्स का जन्म हुआ है, एक है जिसमें से कैपिटल और दूसरा है ड्रॉइंग्स।
क्योंकि ये दोनों अलग हैं, इसीलिए उनसे जो पैसा बिजनेस में आता है वो कैपिटल, और उनके पास जो बिजनेस से निकल के जाता है वो ड्रॉइंग्स। इतनी सी बात पे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन फंस सकता है। एक बात पे और फंस सकता है कि फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग है या लीगली, तो लीगली ये दोनों सेम है, लीगली दोनों सेम है। बिजनेस पे नहीं, ओनर जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, उसी पर केस फाइल होता है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेटली डेट्स के लिए, लेकिन अकाउंटिंग के लिए दोनों को अलग माना गया है। पॉइंट टू बी नोटेड। जबकि तुम जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हो तो कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग हैं, अकाउंटिंग के लिए भी अलग है और लीगल सेंस में भी अलग है। कंपनी गलत करेगी तो कंपनी कसूरवार है, ना कि शेयर होल्डर्स। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, अगर मैं तुम्हारी सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, तो अकाउंटिंग के लिए दोनों अलग हैं लेकिन लीगली दोनों सेम हैं। अगर बिजनेस में कुछ भी ऊंच नीच होती है तो कौन अल्टीमेटली जिम्मेदार है? ओनर और पार्टनर्स। पॉइंट टू बी नोटेड। आगे आ जाओ। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कह रहा है सारे वो ट्रांजैक्शंस जिनको आप मेजर कर सकते हो पैसों के टर्म्स में, उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। जो पैसों के टर्म्स में मेजर नहीं करी जा सकें चीजें, उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि कोई एम्प्लॉई बहुत अच्छा एम्प्लॉई था, किसी जगह पे काम करता था। जब वो काम करता था तो काम बड़ा अच्छे से हो जाता था, कस्टमर्स बहुत सेटिस्फाइड रहते थे, सिनेरियो बड़ा अच्छा अच्छा पॉजिटिव रहता था। उस एम्प्लॉय के छोड़ के जाने से कठिनाइयां बढ़ी हैं, परेशानियां बढ़ी हैं, मैनेजमेंट हिला है, क्वालिटी कम हुई है, क्लाइंट्स परेशान हुए हैं, लेकिन क्योंकि वैल्यू नहीं हो पा रही इन टर्म्स ऑफ मनी, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते इन द बुक्स। दैट्स द पॉइंट। तीसरे पे आ जाओ, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है, जिसका एक और नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कि आपका बिजनेस हुआ स्टार्ट, अब आपका बिजनेस कब तक चलेगा? वी डोंट नो। हम तो यही दुआ करते हैं और उम्मीद के इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहे, तो हमारा बिजनेस कब तक चलेगा हमें इसके बारे में नहीं पता। इस ही वजह से हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या उसकी परफॉर्मेंस खराब जा रही है। इसीलिए लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू छोटे छोटे पार्ट्स, और यू कैन से इनटू इयर्स, और हर एक जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड बन जाता है। हर एक एक अकाउंटिंग पीरियड बन जाता है, ताकि हम हर एक के एंड में उस साल की परफॉर्मेंस को जज करें कि क्या हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई या हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई। तो बस यही बात है कि अनलिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पार्ट्स, यूजुअली एक एक साल का। ईच ईयर इज कॉल्ड एन अकाउंटिंग ईयर। इसके करने के पीछे वजह क्या है? सो दैट वी आर एबल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस विद ईच पासिंग ईयर। ऐसा। चल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अनेकों बार पढ़ा है एनपीओ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड एट सो मेनी प्लेसेस। अक्रूअल कॉन्सेप्ट का एक और नाम मर्केंटाइल बेसिस। मेरे बच्चों, सिर्फ मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी ट्रू फॉल्स तो क्या बोल गए, इतना सारा कुछ 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 मैम, सिर्फ मॉड्यूल और आरटीपी एमटीपी के ट्रू फॉल्स पढ़े तो इनफ है, और यह कहीं से भी करें, इतना ही कर लिया उतना ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ट्रू फॉल्स प्रैक्टिस के लिए होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सही होता है तो नया क्वेश्चन भी हम कर पाते हैं। तो दैट्स द पॉइंट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है मर्केंटाइल बेसिस। अक्रूअल कॉन्सेप्ट एक ही बात कहता है जिसको आपको एकदम पक्का समझ आना चाहिए। जैसे ही आपने किसी से काम करवा लिया तो आप उसको अपना पर्चा दिखाओगे काम कराने के बाद, ना कि जब आप उसको पे करो। सो इट्स नॉट ऑन द पेमेंट बेसिस बट इट इज काम करवाना। ऐसे ही इनकम, जैसे ही आपने किसी को काम करके दे दिया, सर्विस दे दी, तो ही आप उसको कमाई दिखा दोगे, ना कि जब वो पैसा आपको रिसीव हो। तो इसको कहते हैं अक्रूअल कॉन्सेप्ट। आगे मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि आप जिस चीज पे अपना रेवेन्यू दिखा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स के लिए रेवेन्यू दिखाया जा रहा है, तो जब आप खर्चा दिखाओ तो आप खर्चा भी 10 यूनिट्स का ही दिखाना, तभी आप सही प्रॉफिट या लॉस निकाल पाओगे। अगर आपने रेवेन्यू दिखाया 10 यूनिट का और आपने खर्चा दिखाया 15 यूनिट का,
तो ये गलत कंपैरिजन है, ये गलत कंपैरिजन है, ये बेसलेस कंपैरिजन है। तो यही मैचिंग कॉन्सेप्ट का कहना है। पढ़ो, ऑल द एक्सपेंसेस आर मैच विद द इनकम ऑफ दैट पीरियड। इफ एनी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, ऑल एक्सपेंसेस जो उससे रिलेटेड है शुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज, ताकि हम सही प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें। एग्जाम में इस बात पे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक किस कॉन्सेप्ट के चक्कर में हम दिखाते हैं। तो 1 मिनट को मैं आपको एक्सप्लेन ही कर दूं। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यहाँ पे आप लिखते हो आपकी सेल्स। सपोजिंग आपकी सेल्स हो रही है बेटे 100 यूनिट्स की, यहाँ लिखते हो आप ओपनिंग स्टॉक। सपोजिंग आपका ओपनिंग स्टॉक 5 यूनिट्स था, आप लिखते हो यहाँ परचेज। सपोजिंग आपकी परचेज 120 यूनिट्स है, अब अगर आप आँख खोल के देखो तो खर्चा आपने 125 यूनिट्स का दिखा दिया और कमाई आपने 100 ही यूनिट्स की दिखाई, तो ये तो बिल्कुल मैचिंग कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, इससे तो प्रॉफिट ही गलत हो जाएगा। इसीलिए टू बैलेंस आउट हम यहाँ पे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, और कितने यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में आएंगे, 125 थे, 100 बिक गए, तो 25 यूनिट्स यहाँ। तो इसमें अब तुम नेट इफेक्ट देखो कि तुम्हारा जो खर्चा दिख रहा है वो कितने यूनिट्स का दिख रहा है, मैम 100 का, और यहाँ तुम्हारी कमाई भी दिख रही है कितनों की, 100 की। अब जो प्रॉफिट आएगा वो सही प्रॉफिट होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। आगे आ जाओ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भाई, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि हम किसी भी टाइम पर ऐसा ही मानेंगे कि हमारा बिजनेस अभी चले चले जाएगा और हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी कोई नियत नहीं है टू क्लोज डाउन दी ऑपरेशंस। यही अजम्पशन माना जाता है किसी भी बिजनेस के लिए कि वो बिजनेस आगे चलता ही चला जाएगा, कोई प्लानिंग नहीं है टू क्लोज डाउन दी ऑपरेशंस। पढ़ो इसको, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप प्रिपेयर करते हो, यही अजम्पशन माना जाता है कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है एंड इट विल कंटिन्यू दी ऑपरेशंस फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, और हमारी कोई नियत नहीं है कि हम अपने धंधे को क्लोज करें। आगे कह रहे हैं, इफ दिस कॉन्सेप्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डज नॉट होल्ड ट्रू, मतलब आपकी नियत में ये चीज आ गई है कि आप धंधा अब बंद करने वाले हो, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आप अपना धंधा बंद करने वाले हो, आपने अगर ये चीज प्लान कर ली, कह रहे हैं देन दैट शैल बी मेंशन्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे उस बात को लिख दीजिए, बिकॉज जो लोग आपकी कंपनी से कनेक्टेड हैं उनको इस बारे में आइडिया होना चाहिए, उनके सर पे एकदम बॉम्ब नहीं फूटना चाहिए, इस कंपनी से हम कनेक्टेड थे, कंपनी बंद हो गई, अब क्या होगा मेरा। इसीलिए नॉर्मली माना जाता है कि आपका धंधा कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन इफ यू आर प्लानिंग टू क्लोज डाउन द ऑपरेशन इट शुड बी मेंशन्ड थ्रू नोट्स टू अकाउंट्स, सो दैट एवरीबॉडी हु इज कनेक्टेड विद द कंपनी गेट्स टू हैव एन आइडिया कि ओके धंधा बंद होने वाला है तो मैं अपनी तैयारी पहले से करके रखूं। नेक्स्ट पे आ जाओ, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, सिंपल बात, आप जानते हैं अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होने वाले हैं, जितना डेबिट का इफेक्ट होगा उतना ही क्रेडिट का इफेक्ट होगा। इसी चक्कर में दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आते हैं, पहला आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का टैली होना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसी वजह से होता है बिकॉज जितना इफेक्ट डेबिट में आता है उतना ही क्रेडिट में आता है, और इसी वजह से आपकी बैलेंस शीट को भी टैली होना पड़ता है, और इसी वजह से ट्रायल बैलेंस को भी टैली होना पड़ता है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट के चक्कर में ही चीजें टैली हो रही है। ठीक, नंबर 8 आया तुम्हारा प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। बेटू मैं कई कई बार तुमसे यही बात कहती हूँ और जब मैं पढ़ाती भी हूँ तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करती हूँ, विच इज कॉल्ड प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब मत मानो कि सब फेवरेबल होगा, मत मानो कि सब फेवरेबल होगा, ऐसा मान के चलो कि वर्स्ट सिनेरियो हो, कुछ नुकसान होने वाला हो, उसकी भी आज से तैयारी करके रखो। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ देयर इज एनी प्रोबेबल लॉस, कोई भी पॉसिबल लॉस कि यार वहां से ऐसा हो सकता है, उसके लिए आप आज से ही अपने बुक्स में दिखा दो, आज से ही अपनी बुक्स में दिखा दो। सो वी आर गोइंग टू अकाउंट फॉर, और वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड, और वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द लॉसेस विच मे कम इन फ्यूचर, अभी पक्का नहीं है, मे कम इन फ्यूचर। लेकिन अगर कल को लग रहा है कि
कि यार इस जगह से फायदा हो सकता है, अभी हुआ नहीं ना, हो सकता है कि बेसिस पर इनकम मत दिखाओ, जब होगी तो सामने आई जाएगी, लेकिन अगर कोई नुकसान लग रहा है कि हो सकता है उसको जरूर दिखा दें। इसका एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर है, 3 बार 4 बार हम ये चैप्टर पढ़ चुके, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, इसमें यही होता है ना। ईयर एंड की जब हम बात कर रहे हैं तो ईयर एंड 31 मार्च पे खड़े हैं, हम सोच रहे हैं क्या पता कस्टमर रखेगा नहीं रखेगा, या वापस करेगा, या दे देगा, या वापस करेगा, क्या करेगा, हम ये मान रहे हैं नहीं रखेगा। ठीक, बाढ़ में गई बात, अठाओ वाला नहीं रखेगा, सेल रिवर्स कर देते हैं, डेटर रिवर्स कर देते हैं, करेक्ट। ऐसे ही मैं तुमसे कहूँ तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, तुम्हें याद हो शायद, हम इसको वैल्यू करते हैं कॉस्ट या एनआरवी, विच एवर इज लोअर। क्यों हम इसको लोअर पे कर रहे हैं, क्यों लोअर पे कर रहे हैं, हम इसलिए लोअर पे करके चल रहे हैं कि भाई महंगा बिकेगा तो बिक जाएगा कल को, लेकिन अगर लॉस हो गया तो, इसलिए कम पे ही दिखा के चलो, कम पे ही दिखा के चलो, बिल्कुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसी चक्कर में है कि यार शायद कल को डेटर भाग जाए, आज ही से दिखा के चले चलो, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, आ जाओ आगे, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक बार एक मेथड पकड़ लिया तो वर्ष दर वर्ष एवरी ईयर उसी मेथड को, उसी पॉलिसी को फॉलो करके चलो, उसको हर कभी चेंज मत करते रहो, दैट इज व्हाट योर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सेज। लेकिन मैंने आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर टाइम भी बताया था कि अगर ये सिचुएशंस हैं तो आप फिर चेंज भी कर सकते हो। वो क्या क्या सिचुएशंस हैं, एक सिचुएशन थी अगर लॉ या स्टैट्यूट कह रहा है कि परिवर्तन करना है तो करना ही है, फिर हम कुछ नहीं कह सकते। आईसीएआई ने अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करा और बोला कि ये चेंज करना है तो फिर करना ही है, कि ये दो हमारे हाथ में नहीं है, ये एक तरीके से आप पे इम्पोज किए जा रहा है। तीसरा है इफ इट लीड्स टू बेटर प्रेजेंटेशन, आपको लग रहा है कि यार ये परिवर्तन करने से जितने भी लोग मेरी कंपनी से जुड़े हुए हैं, मेरी कंपनी से एसोसिएटेड हैं, उनको मेरी कंपनी के बारे में बेटर जानकारी मिल पाएगी, दे विल हैव बेटर आइडिया अबाउट द पोजिशन ऑफ द कंपनी, इन सच अ सिचुएशन यू कैन चेंज। बट ऐसा नहीं करना कि इस साल चेंज किया फिर नेक्स्ट ईयर फिर चेंज कर दो, फिर नेक्स्ट ईयर फिर चेंज कर दो, तो दैट शुड नॉट गो ऑन एंड ऑन। क्या आपको ये समझ में आ गया बीटू यहाँ तक? हेलो, चेक चेक फटाफट, डन डना डन, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, नंबर 10, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। ओके ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बेटू, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कह रहा है ऑल दोज आइटम्स विच हैव या विच अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द शेयर होल्डर्स। कोई भी चीज जो मटीरियल है, मटीरियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मटेरियल का मतलब कोई चीज इतनी बड़ी होना जिससे कि किसी के डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ जाए, जिससे कि किसी के डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ जाए। मैं कहूँ कोई कंपनी इतनी बड़ी है कि उसका जो सेल्स है, टर्नओवर, वो है $2 बिलियन ऐसा। अब ऐसी कंपनी में मानो जरा 500 रुपए इधर उधर हो गए, इज इट मटीरियल? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। 2-500 का गैप भी गैप है, बट 500 इज नॉट मटीरियल। इवन मैं इस कंपनी में बोलूं 1 लाख रुपए, इज इट मटीरियल? द आंसर इज स्टिल नो। तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कोई भी चीज जो महत्वपूर्ण है, जो बड़ी है, जिससे जो लोगों ने उसमें पैसा लगाया है या जो लोग उस कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके डिसीजन पर असर पड़ सकता है, उन चीजों को आप क्लियरली दिखाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको आप क्लियरली दिखाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। छोटी 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 चीजों में कुछ ऊपर नीचे हो तो इग्नोर भी कर सकते हैं, इतने कोई इशू की बात उसमें है नहीं, इट इज मटीरियलिटी। नंबर 11, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कह रहा है एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन देयर सर्टेनिटी दैट द एक्सेस वैल्यू विल बी रियलाइज्ड। मतलब आपका एसेट बुक्स में 90,000 का दिख रहा था, आपको लग रहा है कि यार मार्केट में मैं इसको 1 लाख का बेच सकता हूँ, तो आप इसको अपने लगने की वजह से 1 लाख पे शिफ्ट मत करो, आप इसको 1 लाख में तभी शिफ्ट करो जब सर्टेनिटी हो, सर्टेन हो, सर्टेन श्योरिटी हो कि हाँ मेरी ये जस्ट फीलिंग नहीं है, अश्योरेंस है कि मार्केट में ये अब 1 लाख का ही बिकेगा, तो ही उसको रिवैल्यू करो, नहीं तो मत करो। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आइडिया होना चाहिए। फिर आ जाओ कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑल एक्सपेंसेस
विच आर इनकर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज, मतलब वो जो शुरुआत में सारे खर्चे किए जाते हैं ताकि वो एसेट अस्तित्व में आ सके, जो भी छोटे बड़े खर्चे हैं उन सभी को हम एसेट की कॉस्ट में रिकॉर्ड कर देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसेट। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एसेट। तो जैसे आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे साथ पहले किए हैं कि मानो आपने कोई मशीन मंगवाई, अब आपने वो मशीन मंगवाई है फॉर एग्जाम्पल जापान से और वो मशीन आपके पास आई इंडिया, तो जितने की वो मशीन थी वो तो है ही ना, लेकिन रस्ते के चार्जेस भी उसकी ही कॉस्ट में जुड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाके उसको इंस्टॉल करवाया, उसकी भी कॉस्ट मशीन में जुड़ेगी। फिर जिस प्रोफेशनल को बुलवाया ये इंस्टॉल करने के लिए, उसको जो आपने पे किया वो भी इसमें जुड़ेगी। समझ गए? सो दैट इज कॉस्ट या फिर कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट। आई होप जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े 12 ये तुम्हें क्लियर है। तुम ये मान लो बेटू हर किसी पेपर में दो एक कॉन्सेप्ट टहलते हुए आ जाते हैं, 4 नंबर के एवरेज। नेक्स्ट, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। बेटू अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अजम्पशन का मतलब होता है किसी भी बिजनेस में माना जाएगा कि ये चीजें हुई रही, किसी भी बिजनेस में माना जाएगा कि ये हो ही रहा है। तो कह रहा है अजम्पशन इज व्हाट इज अज्यूम्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। तो ये है GCA, 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 गोइंग कंसर्न। अभी पीछे पढ़ा था कि आपका बिजनेस चलता 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 रहेगा, अगर बंद करने की प्लानिंग है तो भाई बता दो। कंसिस्टेंसी मतलब हर वर्ष सेम पॉलिसी सेम पॉलिसी सेम पॉलिसी सेम पॉलिसी फॉलो होगी, अगर चेंज हुई है तो बता दो। अक्रूवल, हम खर्चा तब दिखाएंगे जब हमने सर्विस ले ली, ना कि जब पेमेंट हुआ। हम इनकम तब बताएंगे जब हमने काम कर दिया, ना कि जब पैसा मिला। ये 3 है आपके फंडामेंटल अजम्पशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट देम, इट इज अज्यूम कि आप फॉलो ही कर रहे हैं। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उसको स्पष्ट बता दीजिए। AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इसके अंदर इन तीनों के बारे में बताया गया है। तो नाम बस ध्यान रख लेना कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में बोला गया है कि ये तीनों नॉर्मली फॉलो होते ही। डन, आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन है रोल ऑफ अकाउंटेंट। ये क्वेश्चन 2-1 एग्जाम में 3 से 4 मार्क का आया हुआ, रोल ऑफ अकाउंटेंट। अब ये अकाउंटेंट भी मान लो और इसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मान लो, तो इसमें सिर्फ इतना भर बताना है कि CA या अकाउंटेंट क्या क्या काम कर रहा होता है एज जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो बहुत सिंपल टाइप से आंसर होता है, हम खुद ड्राफ्ट कर सकते हैं। पहला, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये सब बनाना। स्टैट्यूटरी ऑडिट, मतलब समझ लो स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है कोई कंपनी है, उस कंपनी के आप एम्प्लॉय नहीं है, आप उस कंपनी में जा रहे हैं उनकी चीजों को चेक करना। इसको ऐसा मानो जैसे हमारे स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स के टाइम हमारी एक तो खुद की टीचर थी और एक बाहर से आया हुआ था, तो जो बाहर से आया है हमारी पोजिशन को चेक करने एक्सटर्नल, ऐसा ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है कि कोई कंपनी की वर्किंग को चेक करने बाहर से बंदा आया है और आपकी कमियां ढूंढ रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर CA ही बन सकता है। अगला आया इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट, अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया कि आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, आपको जो साल भर आपकी मिस्टेक बताता रहता है आपकी स्कूल टीचर्स, यहाँ ये गलती है यहाँ ये गलती है ये सुधारो वो करो वो करो, डांटते हैं जो जो भी होता है, वो इंटरनल ऑडिटर। मतलब कोई CA किसी कंपनी का एम्प्लॉय है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, कोई CA किसी कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो साल भर जो जो भी कमियां होती हैं उसको सुधरवाता रहता है इंटरनल। बाहर का CA आ रहा है और वो चेकिंग करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और क्या काम? टैक्सेशन, इसमें लिख देना डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स का काम, GST का काम, कस्टम ड्यूटी का काम। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? फॉरेन से जो सामान वामान आ रहा होता है उससे रिलेटेड। ये सारा भी काम कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस का मतलब पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करो पैसे को वहां इन्वेस्ट करो, ऐसा करोगे तो टैक्स बच जाएगा, वैसा करोगे तो आपकी रिटर्न बढ़ जाएगा, इन शेयर्स में लगाओ उन डिबेंचर्स में लगाओ, ये सब ये काम क्या हो गया आपका? फाइनेंशियल एडवाइस का। इज दैट क्लियर? अब ये तो लिखा ही है, इसके अलावा मैं अगर एक दो और ऐड कर दूं चीजें, लॉ से संबंधित काम। लॉ से संबंधित काम तो चाहे वो कंपनी लॉ हो उसका भी काम करवा देता है, चाहे अदर लॉज हो, अदर लॉज आप लोग ने पढ़े ही हैं लॉज, जैसे SOCA हो गया, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया आपका, ऐसे अनेकों लॉज के ऊपर भी कौन गाइडेंस और कंसल्टेंसी दे देता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट।
तो एग्जाम में आए तो मस्त फ्लो में आंसर लिख लेना, बिना ज्यादा कोई टेंशन ले। बच्चों आप सब मेरे साथ हैं, आपको समझ आ रहा है, आपका दिमाग यहाँ वहां तो नहीं जा रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए, ये नहीं घबराना है। पेपर में कल आएगा भी नहीं आएगा, मैं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज ऐसा सोच के पढ़ते हैं तो फिर हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते। आर यू विथ मी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग? दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले हैं, ठीक है चलो ये पढ़ लिया हमने, आगे आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वापस से ये क्वेश्चन अगर आया तो इट कैन कम फॉर 3 to 4 marks का क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? ट्रेडिंग, PNL, बैलेंस शीट, इनकी बात यहाँ चल रही है, ठीक है। इनके फीचर्स, खैर दिल के कान भी खुले, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला, सबसे पहली बात आ रही है, ऐसे होना चाहिए जिसमें हो अंडरस्टैंडेबिलिटी। हाँ मेरा बच्चा, मैं अभी पढ़ा लूँ उसको भी फिर कर पाऊंगी, पढ़ा लूँ बीच में कैसे करूँ? अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस की, आपके जो बिजनेस है उसकी जो पोजीशन है, वो यूजर को, यूजर मतलब जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है, उसको ढंग से समझ में आ पाए। तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत बनाना जो सामने वाला पढ़े तो उसको समझ ही नहीं आए हालत क्या है। दे शुड बी अंडरस्टैंडेबल, तो दे शैल बी रेडिली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करने की थोड़ी बहुत भी रीजनेबल नॉलेज है। अगला, रिलायबिलिटी। बिटू रिलायबल होने का मतलब होता है कोई चीज जिसमें आप भरोसा कर सको, जिस चीज में मिस्टेक ना हो, जिस चीज में एरर ना हो। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दे शुड बी फ्री फ्रॉम मटीरियल एरर, छोटा मोटा मिस्टेक चलेगा, मटीरियल एरर नहीं हो। तीसरा, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबल का मतलब होता है हम किसी से उसको तुलना कर सके, किसी से हम उसको कंपेयर कर सके। तो बात ये आ रही है, इंटर फर्म का मतलब आपकी कंपनी का किसी अगली कंपनी से तुलना हो पाए। तो फॉर्मेट सेम रखना, फॉर्मेट मत चेंज करना, आपका और उनका फॉर्मेट सिमिलर होना चाहिए। अगर कंपनी है तो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट लगाओ, पार्टनरशिप है तो ठीक है नॉर्मल कर लो, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो नॉर्मल कर लो, बैंकिंग बैंकिंग है तो उनके अलग फॉर्मेट होते हैं, बिजली घर है अगर तो उसका अलग फॉर्मेट होता है। तो आपका फॉर्मेट ऐसा हो कि दूसरी कंपनी से कंपेयर हो सके। और इंट्रा फर्म का मतलब होता है आप ही की परफॉर्मेंस इस साल की और लास्ट ईयर की कंपेयर हो पाना। तो डोंट चेंज दी फॉर्मेट्स ऑफन, नहीं तो कंपेरिजन में दिक्कत होती है। प्रूडेंस मतलब फालतू फट्टे की इनकम्स मत दिखाओ, झूठी झूठी हाँ खर्चे या लॉसेस हैं वो जरूर दिखा दो। कंप्लीटनेस, सारी चीजें कंपनी के बारे में उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डली हो, कोई मटेरियल बात ना छूटी हो, कोई छोटू मोटू छूट गई हो अलग बात है, लेकिन कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात ना छूटी हो। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं जो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो प्लीज ऐसे चार्ट बनाइयो, 5ों के नाम लिखो पहले, उसके बाद हर एक को उठाओ और ऐसे एक 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 दो 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 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है? आ जाओ आगे। अगला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एरिया, कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और इनका एक और रिश्तेदार प्रोविजन। हर किसी एग्जाम में, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इट हैज टर्नड अप हर किसी पेपर, बिगिनिंग विद कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कह रहे हैं इट्स अप पॉसिबल ऑब्लिगेशन विच विल इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, एग्जिस्टेंस ऑफ विच डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर। बिटू वर्ड कंटिंजेंट को तुम लॉ में भी सुनते हो, कंटिंजेंट का मतलब होता है व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग, किसी चीज पर आश्रित होना, दैट इज कंटिंजेंट। तो बात ऐसी है कि हो सकता है कल को ऐसा हो जाए तो हमें इतना पे करना पड़ेगा, और नहीं हुआ तो नहीं देना पड़ेगा। कंटिंजेंट मतलब देना ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा फ्यूचर में हुआ तो पैसा देना पड़ सकता है, ऐसा नहीं हुआ तो फिर नहीं देना पड़ेगा। तो इसके होने की जो चांस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसके होने की संभावना कम है लेकिन कम संभावना है। इसीलिए इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर
नहीं दिखाते, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर दिखाते हैं. सो दे आर शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स बट नॉट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्रोविजन इसका थोड़ा रिश्तेदार है. अनसर्टेन लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, लाइबिलिटी है, देना है, कितना अमाउंट उसकी क्लैरिटी नहीं है. वेयर इन इट्स प्रोबेबल दैट द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मे बी इन्वॉल्व, होने का चांस है कि आपको देना पड़ेगा, इसके होने की संभावना ज्यादा है. तो इन दोनों में से किसकी होने की संभावना ज्यादा? प्रोविजन. किसके होने की संभावना कम? कंटिंजेंट लाइबिलिटी. प्रोविजन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिखाते हैं बिकॉज होने के चांस ज्यादा है, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर नोट्स में दिखाते हैं बिकॉज होने के चांसेस कम है. समझ गए हम? ये किसी चीज पर आश्रित है, होगा तो देना पड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं देना पड़ेगा. इसमें देना तो है लेकिन कई बार हमें अमाउंट में एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं होती कि कितना देना है, इसीलिए वर्ड आ रहा है प्रोविजन, के अंदाजन इतना देना तो पड़ेगा लेकिन एक्यूरेट नहीं पता कितना. सो दैट्स द पॉइंट, ये इसका आंसर है. इसको मैं एक बार तुम्हारे लिए रीड कर रही हूँ, पेशेंस से सुनोगे तो फायदा होगा नहीं तो वेस्ट जाएगा, इसलिए सुनो. प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लाइबिलिटी, मतलब देना है. कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ये वर्ड्स को पकड़ लो, ये प्रेजेंट लाइबिलिटी होना है, कितनी वो नहीं पता, पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. आगे आगे बात. प्रोविजन मीट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब आप इसको रिकॉग्नाइज करते हो. रिकॉग्नाइज करते हो मतलब इसको आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते हो. ये फेल्स टू मीट रिकॉग्निशन, मतलब इसके होने का क्योंकि ज्यादा चांस नहीं है तो आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाते, ऐसा कहना चाहते. आगे पढ़ो. प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, पहला, एन एंटरप्राइज हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब अभी देना है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, पहले कुछ हो चुका जिसके चक्कर में हमें अभी देना है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक आउटफ्लो होगा. दूसरा, आर रियलाइबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना देना पड़ेगा. कुछ पहले हुआ है जिसके चक्कर में देना है, या पहले नहीं भी हुआ लेकिन हमें एक अमाउंट का तकरीबन अंदाजा है कि इसके आसपास का हमारा खर्चा आएगा. कंटिंजेंट लाइबिलिटी इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट डू नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बिकॉज ईदर इट इज नॉट प्रोबेबल, इट इज नॉट प्रोबेबल कि हमें वो पैसा देना ही पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. इसमें देना ही है, कितना थोड़ा डाउट है. इसमें देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता. आगे आ गया कि ये क्या बोल रहे हैं, इसको आप बैलेंस शीट में दिखा देते हो और इसको आप डिस्क्लोजेस द ऑब्लिगेशन, बस यही कर देना तुम आउटसाइड नोट्स टू अकाउंट्स में, इतना लिख दो बस, उतना पर्याप्त है. तो ये तुम्हारे पॉइंट्स को मैंने और छोटू कर दिया है, इनको एक बार पेशेंस से 2 मिनट का टाइम देके निगाह मार लेना. आई एम टेलिंग यू इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, इट कीप्स कमिंग एवरी नाउ एंड देन. चल अब आया इनका भाई कंटिंजेंट एसेट, ऑपोजिट है नेचर में. कह रहे हैं इट इज अ पॉसिबल एसेट, पॉसिबल है, पक्का नहीं है, पॉसिबल है. पॉसिबल एसेट हुज एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, वापस से ये किसी चीज पर आश्रित है. हो सकता है कल को ऐसा हो जाए तो मुझे ही मिल जाएगा, बट हो जाए तो मिल जाएगा. दिस विल इन्वॉल्व इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, कुछ आपके पास आएगा. उसमें क्या हो रहा था? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, इसमें इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस. क्या लगता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से इसको दिखाना चाहिए कि नहीं? भाई हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं दिखा रहे, हम एसेट तो दिखा ही नहीं सकते. इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम बाहर दिखाते हैं. इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज शोन थ्रू नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देंगे कि ऐसा ऐसा सिनेरियो चल रहा है, हो सकता है कल को हमको ये एसेट मिल जाए या हमारे पास ये पर्टिकुलर रिसोर्स आ जाए. ठीक है, यहां तक आपको कोई शक, कोई संदेह, कोई डाउट तो मुझे आप बताएं. चल रहा है मामला मस्त? ओके ओके.
अगले पे आ जाओ, अकाउंटिंग पॉलिसी मीनिंग पता होना चाहिए, इट्स नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट. अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब आपके क्या पॉलिसी है, आपका वे तरीका, आपका मेथड क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय बिजनेस, बस उसी को अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं. जैसे आप डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगाते हो, तो आपका अकाउंटिंग ईयर जैन टू दिसंबर होगा या अप्रैल टू मार्च होगा, या आप फीफो मेथड लगाते हो, क्या आप लीफो मेथड लगाते हो, कि वेटेड एवरेज लगा रहे हो, तो ये सब आपकी पॉलिसी में आ जाता है. एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अंदाजा, जो चीजें अंदाजों पर कैलकुलेट होती हैं, जैसे गुडविल है एस्टिमेट है, प्रोविजंस है एस्टिमेट है, 2%, 1%, 5%, क्लोजिंग स्टॉक एक तरीके से कॉस्ट, तो ठीक है कॉस्ट, एनआरवी तो एस्टिमेट होता है, एनआरवी मतलब इतने का बिक सकता है, तो पक्का नहीं पता, इतने का बिक सकता है. लाइफ ऑफ द एसेट 5 साल होगी, 2 साल होगी, 10 साल होगी, ये सब एस्टिमेट है, दे आर ऑल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, दे मे ऑल चेंज इन फ्यूचर. इवन स्क्रैप वैल्यू पढ़ा था अपन ने डेट के टाइम, स्क्रैप वैल्यू, दे आर ऑल अप्रोक्स, अंदाजा, दे मे ऑल चेंज इन फ्यूचर. ठीक है, चलते चलो आगे. बिटू ये जो नेक्स्ट करवा रही हूँ मैं, डिफरेंट वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट, बहुत ज्यादा नहीं आए एग्जाम में, लेकिन ये बड़े क्लोज होते हैं, तो कंफ्यूज होने के चांसेस इसमें काफी होते हैं ऑलरेडी. सबसे पहले आ रही है हिस्टोरिकल कॉस्ट, सिंपल, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, जितने पर खरीदा था, जितने पर एसेट खरीदा था, कॉस्ट जिस पे आपने खरीदा था, बस. करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट का मतलब आज मार्केट में वो कितने का है, आज मार्केट में वो कितने का है, तो अगर आज खरीदे तो कितने का मिलेगा, दैट्स कॉल्ड करंट कॉस्ट. रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब आज अगर मैं अपना एसेट सेल करूं तो कितना मिलेगा. मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, जैसे मेरा फोन है, तो मेरा फोन है कौन सा है, 13 प्रो मैक्स, ये जब खरीदा था तो इट वॉज ऑफ 1,30,000 के आसपास, तो ये इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई. अब अगर आज इसको खरीदते हैं मार्केट में, तो आई डोंट नो कितने का मिलता होगा, शायद मान लो मे बी 90,000 या 80,000, तो ये कहलाएगी करंट कॉस्ट. रियलाइजेबल वैल्यू मतलब इसको मैं आज अगर बेचूं तो कितने रुपए मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू. तीनों शायद समझ में आ गए. अमेजोन पे अभी भी महंगा है, तो फिर महंगा ही मिलता होगा, मुझे नहीं पता, जो भी है मुझे रेट्स नहीं पता. अब आ जाओ चौथे पर, प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऐसे समझ लो फटाक से, इससे डीप में समझा नहीं पाऊंगी बिकॉज ये इतना डेप्थ वाला पॉइंट है कि इस पर पूरा सब्जेक्ट टिका हुआ है, जिस सब्जेक्ट का नाम है इंटर में तुम पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और बाय चांस अगर मुझसे पढ़ोगे तो फिर और डिटेल में समझोगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये कॉन्सेप्ट लगता है, इसका बिल्कुल इत्तू सा उन्होंने नाम लिख के दे दिया लेकिन है बहुत गहरा. प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू होता ये है कि आपका जो एसेट है वो कल को आपको कितनी फ्यूचर में कमाई करके देगा, आप उसका एक अप्रोक्स फिगर निकालते हो कि पहले साल में मुझे मशीन से इतनी अर्निंग हो पाएगी जो मैं प्रोडक्ट बना के बेचूंगा, दूसरे साल से इतना बेनिफिट होगा, तीसरे साल इतना बेनिफिट, चौथे साल इतने बेनिफिट, जितनी भी उस एसेट की लाइफ है हर साल कितना कितना वो बेनिफिट आपको देगा, पहले वो निकालते हो. वो निकालने के बाद आप लोग पढ़ते हो टीवीएम चैप्टर मैथ्स में, जिसमें डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है. डिस्काउंटिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट का इफेक्ट हटा के प्रेजेंट वैल्यू पे आना, तो वो फ्यूचर के सारे बेनिफिट्स को डिस्काउंट करके आप प्रेजेंट वैल्यू लाते हो और उन सबको जब जोड़ देते हो तो दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट एसेट, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट एसेट, के उस एसेट से भविष्य में मेरे को कितने रुपए का बेनिफिट मिलेगा, भविष्य में मेरे को कितने रुपए का बेनिफिट मिलेगा, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू. क्लियर, इज दैट क्लियर, एग्जाम में आया तो विल यू बी एबल टू डू इट, यस मैम, यस मैम, यस मैम, ऑल राइट. अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, मैं तुम लोग ऐसे डेली मिल जाती हूँ तो तुम्हारा थोड़ा बहुत टेंशन कम हो जाता होगा, नहीं होता या हो जाता है, हर दिन मैं घूम फिर के तुम्हारे पास आ जाती हूँ, टेंशन नहीं लेना है, सब अच्छा होगा, तो थोड़ा बहुत कुछ असर पड़ता है, यह सारा फालतू का एफर्ट है, सुकून मिलता है, सुकून मिल जाता है क्या. हाँ यही चीज मैम, अगर हम खुद बैठ के पढ़ रहे होते तो इतना टाइम लग जाता, आपके साथ फटाफट हो जाता है और हमारी मेहनत भी कम जाती है. जी बट आई होप सुनते गौर से रहते हो. क्यों तुम लोग जितने यहाँ मौजूद हो, मेरे को ये तो बताओ, जितने भी लेक्चर्स अभी तक अपने हुए हैं तुमने सारे अटेंड करे हैं,
तुम लोग ने सबने सारे लेक्चर्स अटेंड करे हैं, क्योंकि वो तुम्हें खुद उनकी वैल्यू शायद होगी। एक एक में दो दो घंटे ढाई ढाई घंटे में हमने तीन तीन चैप्टर्स निपटाए हैं, और उसमें सब कुछ काम का है। आपको हम सबकी बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, आई विश। तो एवरी, आप कह सकते हो, मिनट काउंट्स उन लेक्चर में। तो वो हर एक में बहुत इम्पोर्टेंट कुछ कुछ है। अगर आपको चूज करना पड़े बिटवीन स्टडिंग सम टॉपिक योरसेल्फ और एक आध लेक्चर बचाओ वो देखना, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि लेक्चर देख लेना। इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए वो बात कह रही हूँ क्योंकि उसमें से जो निकल के आ रही है चीज, वो तुमको ना कि सिर्फ वही क्वेश्चन बट कोई दूसरा क्वेश्चन भी ड्राफ्ट होके आता है उसके इर्द गिर्द, तो तुम वो भी कर पाओगे। द क्वेश्चन वर फर्स्ट पिक्ड चोजन फॉर यू सो दैट चैप्टर का मेन काम हो जाए, एंड देन दे वर सॉल्व सो दैट सोल्यूशन भी सामने रहे एंड दे वर एक्सप्लेन्ड पैरेलली। तो इसीलिए द लेक्चर्स, दो दे आर फोर इन नंबर एंड टुडे वी आर ऑन द फिफ्थ वन, दे आर पावर पैक। एक्चुअली बता रही हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हो बच्चा? मैम प्लीज मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं इस अटेम्प्ट में पास हो जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सारी दुआएं फॉर ईच ऑफ यू। और बस एक चीज है, पेपर में घबराना मत। जिस पल तुमको टेंशन हो तो मैं तो यही बोलूंगी कि आंख बंद करना और ये सोचना कि मैस्टर मैम ने क्या बोला था। मैस्टर मैम ने कहा था कि तुम मेरे चैंपियन हो और मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी तुम मेरे ट्रस्ट जो मैं तुम पे करती हूँ उसको दुनिया के सामने प्रूव कर पाओगे कि हमारी मैम हम पे भरोसा करती थी। देखो हमारा रिजल्ट हो गए, हम पास। तो जीवन में बोल कर यूड नेवर विन, कर दिखाना है, कर दिखाना है। किसी सब्जेक्ट का टेंशन मत लिया करो। जब मैं ये बात करूं तो बच्चे एकदम से घबराते हैं, कहते हैं मैम अकाउंट्स तो कर लेंगे लेकिन मैथ्स। पहले करो एक चीज को एक समय में। अब मैं तुम्हें अभी पढ़ा रही हूँ, मैं आगे की क्यों टेंशन लूँ? और तुम जो पढ़ रहे हो तुम आगे की क्यों टेंशन लो? अभी अकाउंट्स को बहुत सॉलिड करके आओ। सब लोग की कोशिश होना चाहिए कि कम से कम भी कोई भी बच्चा अकाउंट्स में 60+ खींच ले। 60+ तुमने अकाउंट्स में खींच लिए तो तुम एक तो बात ये मान लो कि भाई अपना एग्रीगेट बनने की हम पूरी पोजिशन में है, और अगर कोई और उसको 65-70 टच कर दे तो पूरी जान लगा देना कि पेपर छूटे नहीं और तुम 65-70 सही करके आओ। ऐसा नहीं कह रही मैं 65-70 का करके आओ, मैं तुमसे कह रही हूँ 65-70 कम से कम आए, तो करके तो पूरा पेपर आना है पूरा। कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कहते हैं 60-70 का करके आया मैं। पूरा करके आओ, क्वालिटी इतनी कम से कम हो कि 65-70 आ जाए। अब तुम खुद सोचो स्ट्रेटेजी कि अगर तुम्हारे 65-70 आ गए ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल, अकाउंट्स में 200 बनाने, 70 इसके पकड़ लो, 130 बच रहे हैं। अब 130 बच रहे हैं तो भाई किसी में 45, किसी में 42, किसी में 45, इतना भी हुआ तो काम हो जाएगा। और अधिकतर बच्चों का ईगो ठीक तो होता ही है, ठीक तो होता ही है, तो उसमें 50 के आसपास तक तो जा ही सकते हैं। तो 70 ये और 50 ये, तो 120 तो यूं ही हो गए भाई, दोनों में 40-45, 40-45 खींच लो, हो गया काम। तो जब जो सब्जेक्ट करो बस तब वो करो, जब जो सब्जेक्ट करो बस तब वो करो, आगे के सब्जेक्ट्स का सोचो मत। पेपर में भी जब जो क्वेश्चन करो तब वही क्वेश्चन करो, आगे का मत सोचो कि यार अगला क्वेश्चन करना है छूटता है, तो जो कर रहे हो उसको बेस्ट करो। ठीक है, सब अच्छा होना है, सब बहुत 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 अच्छा होना है। बस पेपर के बाद भूल मत जाना, नहीं तो बेईमान लोग होते हैं पेपर के बाद भूल जाते हैं। लास्ट में स्ट्रैटेजी बता दीजिएगा टाइम कैसे कंप्लीट करना है, वो मैं तुम्हारा टाइम नहीं लूंगी यहाँ पे, वो मैं तुम्हें बाय कर दूंगी, बोलूंगी जाओ पढ़ लो, मैं अलग से रिकॉर्ड करके तुम्हारे लिए यूट्यूब पे डाल दूंगी ताकि तुम उसको सीधे 2x की स्पीड पे देख लो। क्योंकि वो कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि अपने को 1x पे सुनना है, 2x पे सुन लेना फटाफट से। 30 मिनट्स 20 मिनट्स के आसपास का रिकॉर्ड करूंगी, 10 मिनट 15 मिनट में सुन के डन। तो तुम्हारा पल पल मैटर करता है, इसलिए मैं बिठा के वो टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी। थ्योरी में कितना लिखूं, दो तीन लाइन, आई डोंट अंडरस्टैंड। ट्रू फॉल्स है तो एक का दो लाइन, अगर तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन है ऐसा एक्सप्लेनेशन टाइप्स तो हर एक को एक दो लाइन में एक्सप्लेन करना। ठीक है, बिठा के भी मैं करा सकती हूँ कि बैठो मैं तुम्हें बताऊँ कल क्या करना है, तो मैं तुम्हारे 30 मिनट खाऊंगी। अगर मैं 30 में रिकॉर्ड करूँ तो तुम 2x पे देख के 15 में कर लेना, तो 15 भी मिनट बच रहा है तुम्हारे, तो मुझे तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट कराना कि तुम मेरे सामने बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं।
चलो मेरे बच्चे, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक आध बार आया है इसका भी क्वेश्चन। पहली बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं? ये कोशिश करना, ये कि ये तुम्हें लर्न हो, ये तुम्हें लर्न हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखित पॉलिसी है जो आईसीएआई जारी करता है, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। रिकॉर्डिंग मतलब इसकी एंट्री क्या होना चाहिए, इसकी एंट्री क्या होना चाहिए। मेजरमेंट मतलब उसकी वैल्यू कैसे निकालनी चाहिए। मेजरमेंट जैसे क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट, एनआरवी, या फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो मेजर कैलकुलेट कैसे करना है वैल्यू। प्रेजेंटेशन कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, कौन सी हेडिंग में, कौन सी सब हेडिंग में वो। डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिखाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर दिखाना है, वो सब। तो ये कोशिश करना याद हो जाएगी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फायदा क्या होगा भाई? कंफ्यूजन कम होता है, लोगों को समझ नहीं आता ऐसा करें कि वैसा करें, तो कंफ्यूजन कम। एडिशनल डिस्क्लोजर हो जाता है। एडिशनल डिस्क्लोजर विच बेनिफिट किसको करता है? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी मक्कारी कर सकती है, कुछ कुछ बारीक बातें जो ऐसी हैं उसकी बुराई की वो छुपा सकती है। तो कौन आ जाता है पिक्चर में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं नो 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 नो, जल्दी से नोट्स टू अकाउंट में श्याड़ा बनती नहीं करने का, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दो जल्दी से। इससे किसको पूरी जानकारी मिल जाएगी? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अच्छा, कंपनी की ये हालत चल रही है, तो एडिशनल डिस्क्लोजर। तीसरा, इट मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल। मतलब पहली कंपनी ने भी एएस फॉलो किया, दूसरी कंपनी ने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया, तो वो लोग सेम ही तरीके से बने हैं, तो अब उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। उनके मेथोडोलॉजीज बहुत नहीं वैरी कर रहे हैं ऐसा। अब पढ़ो इसकी बुराइयां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। पहली बात, दे डू नॉट ओवरराइड लॉ। तो सबसे ऊपर कौन है? लॉ। उसके बाद सबसे ऊपर कौन है? लॉ। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉ को ओवरपावर नहीं कर पाते। अगले पे आ जाओ, समटाइम्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफर मेनी ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब पता पड़ा तीन कंपनी है, तीनों ने अलग अलग कर लिया, फिर कंपेयर नहीं हो पा रहा ना। तो बहुत जगहों पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको दो तीन चॉइसेस दे देता है, यू कैन डू इट लाइक दिस और दैट और दैट। तो इसमें इधर और में क्या हो जाती है परेशानी, कि कंपेरेबिलिटी वाला इशू आ जाता है। यहां तक का आपका डन। अब हम जा रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स के लिए, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। हर बार मानो आप इस एरिया में से दो के आसपास तो क्वेश्चन फंस ही जाते हैं, दो क्वेश्चंस के आसपास फंस जाते हैं। तो आप मान लो 2 to 4 marks के ट्रू फॉल्स इस एरिया से निकलते हैं। लेट्स बिगिन दिस एरिया, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बारीकी से सुनना, आई विल नॉट गो इन हरी, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, बट यू नीड टू बी केयरफुल। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब उसको हम एसेट की वैल्यू में जोड़ेंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, खर्चा नहीं मानेंगे इफ इट्स नॉट इनकर्ड फ्रीक्वेंटली। ये पहली बात, बार 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 रूटीन में अगर हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू है। जैसे हर महीने रेंट देना, रेगुलरली सैलरी देना, वाईफाई के रेगुलर चार्जेस पे करना, टेलीफोन के बिल पे करना, बिजली का बिल पे करना, ये रेगुलर होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं, ये सब रेवेन्यू है। जो यूजुअली फ्रीक्वेंटली नहीं होते वो कैपिटल में जाने की औकात रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, वर्थ रखते हैं। द एक्सपेंस रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट। आपके पास से जो पैसा गया है, जो खर्चा हुआ है, इससे आपका कोई एसेट तैयार हो रहा है। भाई एसेट क्या होता है? एसेट समझो इम्पोर्टेंटली वो चीज है जिससे ना कि सिर्फ वर्तमान में बट भविष्य तक आपको लाभ होने वाला है, ना कि सिर्फ प्रेजेंट में लेकिन फ्यूचर तक बेनिफिट मिलने वाला है, वो इसमें आ जाए। तीसरा, द एक्सपेंस इंक्रीजेस द रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। आपने जो खर्चा किया है उस खर्चे को करने से आपकी कमाने की क्षमता बिजनेस की बढ़ गई है। समझो पॉइंट को, आपने जो खर्चा किया है उससे आपके बिजनेस की रेवेन्यू जनरेशन कमाने की क्षमता बढ़ गई। और आखिरी, इट्स इनकर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज। मतलब वो खर्चा अपने आप में तो खर्चा ही है, लेकिन वो खर्चा इसलिए किया जा रहा है बिकॉज आपने जो एसेट खरीदा है ना,
उसको यूजेबल स्टेट में लाने के लिए। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बोलूं कि कोई मशीन खरीदी, तो वो तो एसेट है, लेकिन वो मशीन को चलाने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट को बुलाना ही पड़ा और उसी ने इंस्टॉल कर ली, तो वो एक्सपर्ट को जो इंस्टॉलेशन के पैसे दिए, नॉर्मली तो वो खर्चा था रेवेन्यू, बट वो क्योंकि इस एसेट को मेकिंग इट यूजेबल, रेडी टू यूज वाली कंडीशन में लाने के लिए नीडेड था, तो उस खर्चे को भी हम कैपिटल खर्चे में डालेंगे और एसेट की वैल्यू में जोड़ देंगे। तो ये चार बातें अभी हमने करी। अब पांचवी पे आ जाओ। इफ एनी एक्सपेंस इज इन द नेचर ऑफ रिपेयर, रिपेयर क्या होता है, कोई चीज घिस गई उसको फिर उसी पोजिशन पे ले आओ, एंड मेंटेनेंस विच डज नॉट इंक्रीज द ओरिजिनल कैपेसिटी ऑफ द एसेट, वो रेवेन्यू। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बात समझा दूँ। जैसे बच्चे मैं आपसे कहूँ कि हमारे घर का गेट है, छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ, पकड़ना बात को, गेट है, उसका जो लैच होता है वो खराब हो गया है, आपने लैच चेंज करवा दिया, किस में जाना चाहिए मैम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाना चाहिए, सीधे ही फीलिंग आ जाना चाहिए। मैं आपसे कहूँ आपकी विंडो है, उसका किसी बच्चे ने कांच फोड़ दिया, किस में जाना चाहिए मैम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही जाना चाहिए, बात खत्म हो गई। आपके यहाँ चेयर थी, उसका एक पैर टूट गया, किस में जाना चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही जाना चाहिए, हाँ या ना? मैं आपसे कहूँ कोई ऑफिस है, उसके अंदर रेगुलरली सफाई कराई जा रही है, किस में जाना चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही जाना चाहिए। अब मैं आपसे कहूँ कि आपका फैन है, बेचारा चलते चलते धीमा चलने लगा है, तो आपने उसमें कंडेंसर बदलवा दिया, कंडेंसर चेंज करवा दिया, किस में जाना चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही जाना चाहिए। लेकिन पॉइंट सुनना मेरा गौर से, आपके पास एक कूलर था, ठीक है, उस कूलर के अंदर कुछ मोटर लगी थी, मोटर वो कम पावर की थी, पावर कम था ठीक उस कूलर में, तो वो नॉर्मल हवा देता था। अब आपने क्या करा, आपने किसी को बुलाया, बिजली वाले को, इलेक्ट्रिशियन को, आपने कहा भाई इसको जरा बदल डालो, इसके अंदर सुपर नेचुरल पावर डालो, वेरी पावरफुल। उन्होंने क्या किया, ये वाली मोटर हटाई और बड़ी सारी मोटर उसमें डाल दी और उसके अंदर थोड़ी और चीजें चेंज कर दी, अब जो वो हवा देता है फर्राटेदार हवा, शानदार। तो ये बताओ ये कौन सा खर्चा है मैम? ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? ये इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिकॉज इससे जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी कैपेसिटी उसकी परफॉर्मेंस वो बढ़ गई। तो जब आपका कोई खर्चा ऐसा हो कि उससे यू गेट बैक टू वेर यू वर, प्लीज सुनना, यू कम बैक टू वेर यू वर, इट इज रेवेन्यू। बट उस खर्चे से इफ यू बिकम मोर देन व्हाट यू वर, इट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूँ, ऐसा अपने को रिकॉर्ड नहीं करना लेकिन समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि कोई इंसान कोई ऐसा कोर्स कर ले, उस कोर्स को करके उसके अंदर बहुत वैल्यू एडिशन हो जाए, तो वो क्या है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एक तरीके से, बिकॉज उससे आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज एनहेंस हो गई, जो आप थे उससे आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल जो काम आपको आता है उसी काम को आप करते चले जा रहे हैं, ठीक है, उसी को कोई आपको सिखा दे रहा है, उसके लिए आपने पेमेंट किया, तो रेवेन्यू है, मतलब यू आर कमिंग बैक टू वेयर यू वर, दैट्स इट, यू आर नॉट बिकमिंग एनीथिंग मोर और एक्स्ट्रा और एनी इम्प्रूवमेंट, नथिंग लाइक दैट। चलिए आगे पहुंचे हम, अब हम देखेंगे इन पॉइंट्स को एक बार फिर से, क्या भूल ना जाए, खर्चा बार बार नहीं हो रहा, दूसरा नया एसेट बन रहा है, तीसरा कमाने की क्षमता बढ़ रही है, चौथा एसेट को यूज में लाने के लिए जरूरी है, और अगर वो रूटीन नेचर का है तो वो रेवेन्यू है, और अगर उसकी क्षमता बढ़ गई, कैपेसिटी, तो वो कैपिटल है। तो हमारे पास है इम्पोर्टेंट आरटीपीस के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस, यहाँ देखते जाओ और फिर मैं कुछ सीधे पेपर उठाऊंगी। ओवरहॉलिंग एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, बेटू सेकेंड हैंड नाम आने से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, भाई सेकेंड हैंड मशीन मतलब किसी ने पहले यूज करी थी, हमारे लिए तो नई है ना, हमारे लिए तो नई है, हमारे पास मशीन नहीं थी, हमने कहीं से सेकेंड हैंड मशीन खरीद ली, तो हमारे लिए तो नई है, इस मशीन को हमने करवाया ओवरहॉल। ओवरहॉल कराने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप मानिए मरम्मत, रिपेयर। तो ऐसा होता है नॉर्मली कि कई बार इंसान सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है तो यार पूरा सही है लेकिन टायर घिसे हुए हैं, आप उसके टायर चेंज करा देते हो, या मैं कहूँ आपसे आपने कोई पुराना कूलर खरीदा तो पूरा सही है मोटर खराब है, आपने मोटर चेंज करा दी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्टिंग के अंदर जो ये खर्चा आप करा रहे हो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर,
बिकॉज इट इज इनकर्ड टू मेक द एसिड रेडी फॉर यूज. और अगर ये एसिड तुम्हारे पास पहले से था, पहले से कार थी, 2 साल बाद पहिए बदलवा दिए, टायर्स चेंज करा दिए, इट वॉज रेवेन्यू, इट वॉज रेवेन्यू. समझे आप? कूलर आपके पास पहले से था, उसकी मोटर जल गई, आपने चेंज करा दी, इट इज रेवेन्यू. लेकिन आपने अभी सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, आप उसके अंदर कुछ चेंज करा रहे हैं, इट इज व्हाट, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. आई होप तुम्हें समझ में आ गई मैंने क्या बात करी. अब पढ़ो, मनी स्पेंट टू रिड्यूस डेली एक्सपेंसेस. आपने कोई एक इकट्ठा सॉलिड खर्चा कर दिया है, और उस खर्चे को आपने किया, तो इससे पता है क्या हुआ, आपका रेगुलरली जो खर्चे होते थे वो कम हो गए. दिमाग लगाओ, अगर तुम्हारे रेगुलरली जो खर्चे होते थे वो कम हो गए, तो इससे तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा? इससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हाँ या ना? इससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. बिकॉज इससे जो बेनिफिट तुम्हें मिल रहा है, ये सिर्फ वर्तमान में नहीं है, भविष्य तक ही बेनिफिट मिलता रहेगा. तो एक तरीके से तुम्हारी एक तो कमाई बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड द बेनिफिट इज स्ट्रेचिंग अप टू फ्यूचर, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगला, लीगल फीस पेड टू अक्वायर प्रॉपर्टी. अब बेटू प्रॉपर्टी एसेट है, एसेट से रिलेटेड खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसी की जगह मानो होता लीगल फीस पेड, डेटर से लड़ाई हो गई थी, डेटर पे हमने केस वेस कर दिया था, पैसा नहीं दे रहा था, उसकी लीगल फीस रेवेन्यू में जाता है. क्यों जाता है रेवेन्यू में? बिकॉज डेटर तो हर दूसरे दिन खड़े होते हैं, स्टॉक तो हर दूसरे दिन बिक रहा होता है, उससे रिलेटेड है, रेवेन्यू हो गया. एसेट खरीदने से रिलेटेड है, कैपिटल. आगे पढ़ो, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन. मशीन थी, उसका कोई हिस्सा घिस गया, उसको आपने रिप्लेस करा दिया, बोलो क्या है? एम रेवेन्यू. रेवेन्यू क्यों है ये रेवेन्यू? बिकॉज रिपेयर मेंटेनेंस टाइप का. अगर ऐसा होता कि आप उसमें कुछ नया हाई फाई पार्ट लगवा देते जिससे कैपेसिटी बढ़ जाती, तो कैपिटल होता. बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है? आई होप सभी को समझ में आ रहा है. इट्स नॉट जस्ट मी हू स्पीकिंग, इट्स गोइंग इन योर ब्रेन, येस और नो एवरीबडी? ऑल राइट, ग्रेट. पढ़िए आगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग अभी नई नई तैयार हुई है, उस पर आपने पुताई करवाई, किसमें जाएगा? कैपिटल. बिकॉज बिना पुताई कराए आप रह नहीं पाओगे. लेकिन मैं अगर आपसे ये बात बोलूं कि हम हर साल जो पुताई करवाते हैं दिवाली पे, ईद पे, वो किसमें जाएगी? वो रेवेन्यू में जाएगी. समझ गए? आपने फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, उसमें पुरानी पुताई थी, आपने उसको फ्रेश पुताई नहीं करवाई, अब बताओ मुझे सोच के, ये कैपिटल हो गया या रेवेन्यू? बिल्डिंग खरीदी आपने, उसके अंदर जो लोग पहले रहते थे तो वो गंदी संदी पुताई थी, तो आपने उसको फ्रेश नई पुताई करवाई कि भाई रहने से पहले मैं पुताई तो करवा दूं, ये किस में जाएगा? रेवेन्यू के कैपिटल. द आंसर इज कैपिटल. द आंसर इज कैपिटल बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ द एसेट. एसेट जब खरीदते हो शुरुआत में जो भी खर्चा करते हैं वो कैपिटल होता है. उस बिल्डिंग में आप रह रहे होते और आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 10th टाइम, 100th टाइम पुताई करवाते, इज रेवेन्यू. बट खरीदते टाइम आप इनिशियल फेज में करा रहे हो, इट इज कैपिटल. आगे आओ, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ओबटेनिंग लाइसेंस फॉर सिनेमा. एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ओबटेनिंग लाइसेंस फॉर सिनेमा. आप थिएटर खोलना चाह रहे हो तो आपको वो गवर्नमेंट से लाइसेंस वाइसेंस लेना पड़ता है, तो ये किस में जाएगा? ये कैपिटल में जाएगा. क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा, पहली बात तो ये बार बार नहीं किया जाता, दूसरी बात इसलिए जाएगा बिकॉज वो लाइसेंस जब मिलेगा ना, तो ही तो सिनेमा खुलेगा, तो ही तो तुम्हारी फ्यूचर में कमाई होगी. तो इसका जो बेनिफिट है, इट इज गोइंग टिल फ्यूचर, द बेनिफिट इज गोइंग टिल फ्यूचर. ये हर साल का खर्चा नहीं है, ये शुरू में लाइसेंस लेना है, एक बार लाइसेंस मिल गया तो ही धंधा शुरू हो पाएगा, तो इट इज कैपिटल. अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ टेम्पररी हट्स, झोपड़ी बना दी, विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग. तो एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसमें लेबर को काम करना है, लेबर हम कहीं बाहर से लाए, वो तो रहेंगे कहाँ, तो हमने वहां छोटी छोटी 2, 4, 5, 10 झोपड़ी बना दी. तो वो जो झोपड़ी बनाई है वो कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू के कैपिटल. तो द आंसर इज कैपिटल. मैम क्यों है? इसीलिए है क्योंकि अगर वो झोपड़ी नहीं होती तो वर्कर नहीं रह पाते, तो बिल्डिंग नहीं बन पाती, तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए नेसेसरी था, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के लेबर हो तो ही तो आपका काम हो पाएगा. आ जाओ आगे. कई बार बच्चे बोलेंगे मैम अपने लोकल से मंगवा लो ना लेबर, नहीं हो पाता. जब बड़ी बड़ी मैसिव बिल्डिंग्स बन रही होती है तो कहीं पे भी आप देखो उसके इर्द गिर्द ही लेबर्स रहने लगते हैं, तो उनको जो वो जगह बना के दी जाती है
उसकी जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली बिल्डिंग की कॉस्ट में ही जुड़ती है. नेक्स्ट, रिंग्स ऑफ एंड इंजन चेंज्ड टू इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी. इंजन के रिंग्स बदल दिए उससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, का मतलब डीजल पेट्रोल अब कम लगा करेगा. अब दिमाग लगाओ, आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, आपका कहीं ना कहीं खर्चा भविष्य का कम हो रहा है और बेनिफिट सिर्फ अभी नहीं मिल रहा, फ्यूचर तक चलेगा. कौन सा खर्चा होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल. आगे, मनी पेड टू बीएसएनएल फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन. तो मनी पेड टू बीएसएनएल फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन एक बार दे रहे हो शुरुआत में और फिर उसका बेनिफिट चलता रहेगा, किसमें जाएगा? तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर. ठीक, बार बार ये वाला खर्चा नहीं हो रहा होता. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ. अमाउंट पेड टू रिमूव स्टॉक फ्रॉम वन, अमाउंट पेड टू रिमूव स्टॉक फ्रॉम वन साइट टू अनदर साइट. मतलब आपका एक जगह काम चल रहा है, आपका दूसरी जगह काम चल रहा है, यहाँ से आपने स्टॉक उठा के यहाँ रखवा दिया, इसमें क्या ही हो रहा है? ये रेगुलर कोई खर्चा आपका है, रूटीन खर्चा, रेवेन्यू. इससे आपकी कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, कोई कमाई आपकी नहीं बढ़ रही. ओवरहॉलिंग एक्सपेंस डन टू इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी. मतलब पेट्रोल डीजल कम लगेगा, कुछ ऐसा करवा रहे हो तो बेनिफिट फ्यूचर तक मिलेगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर. मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को आप पॉइंट्स दिमाग में बस रहे हैं, यू आर एबल टू इंटरप्रेट देम, यस और नो? नहीं बेटू, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता, पैसे वापस थोड़ी ना करते हो लोग. आप शुरुआत में जो इंस्टॉल करवाने के देते हो वो दे दी, फिर कौन वापस कर रहा होता है? और कर रहे होते हैं तो फिर वो अलग केस हो जाएगा स्पेसिफिक. कम टू 12th, इनॉग्रेशन एक्सपेंस ऑफ ओपनिंग अ न्यू यूनिट. ये बेटू इंपॉर्टेंट है. इनॉग्रेशन एक्सपेंस ऑफ ओपनिंग अ न्यू यूनिट मतलब क्या है? आप कोई अपनी नई ब्रांच आपने खोली, तो ब्रांच खोलना ठीक है, लेकिन इनॉग्रेशन ये किसमें जाएगा? क्या ये कैपिटल होगा या ये रेवेन्यू होगा? क्या ये कैपिटल होगा या ये रेवेन्यू होगा? तो इनॉग्रेशन एक तरीके से एडवर्टीजमेंट होता है. इनॉग्रेशन एक तरीके से एडवर्टीजमेंट होता है. तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम करते ही चलते रहते हैं अपने धंधे में. नेक्स्ट, कॉम्पनसेशन पेड टू. बेटा एडवर्टीजमेंट से तो हमेशा ही लोग बढ़ते हैं. एडवर्टीजमेंट होता ही इसलिए है जिससे कि आपके ग्राहक बढ़े, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो धंधे का रूटीन पार्टी होता है. एडवर्टीजमेंट करके चलना, प्रॉफिट तो होता ही ना, एवरी एक्सपेंस रिजल्ट्स इन प्रॉफिट. बट उस खर्चे से आपका ऐसा नहीं है कि एक बार एडवर्टीजमेंट किया तो सालों तक फायदा होगा. वो खर्चे से उस टाइम फायदा होता है, फिर खर्चा करो एडवर्टीजमेंट का, फिर फायदा, फिर खर्चा करो, फिर फायदा, ऐसा चल रहा है. ऐसा नहीं, एक बार खर्चा करो फ्यूचर तक आपको लाभ मिलने लगेगा. समझे बात? आगे, कॉम्पनसेशन पेड टू वर्कर्स फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट. वर्कर छोड़ के जा रहे हैं तो हम उनको कॉम्पनसेशन पे करते हैं. तो भाई हर साल ही वर्कर जाते हैं, हर कभी वर्कर जाते हैं, तो उनको रिटायरमेंट के टाइम पैसा देना ही पड़ता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट. आप एसेट खरीदने के लिए फॉरेन गए तो एसेट तो आया ही आया, लेकिन जो डायरेक्टर्स गए उनका टिकट विकेट जो कुछ भी लगा, भाई ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है. ये क्यों कैपिटल है? क्योंकि जब तक डायरेक्टर जाके देखेगा नहीं कि कैसा एसेट है तो खरीद कैसे पाएंगे? तो नेसेसरी है ना कि जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एवेल्युएट करना पड़ेगा, तो ही परचेज कर पाएंगे. तो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट यूज. नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट न्यू बिल्डिंग. प्लीज पे अटेंशन. पुरानी कोई बिल्डिंग थी उसको हमने तोड़ा, पुरानी बिल्डिंग तोड़ी और उसकी जगह नई बिल्डिंग बनी. तो जो पुरानी को तोड़ा है उसमें भी तो पैसा लगता है, मजदूर आता है, मशीनें आती हैं, उसको तोड़ी जाती है, वो खर्चा क्या है? इट इज कैपिटल. व्हाई इट इज कैपिटल? इट इज कैपिटल बिकॉज इट वॉज नेसेसरी ताकि नई बिल्डिंग अस्तित्व में आ पाए. अगर वो होता ही नहीं खर्चा तो नई बिल्डिंग अस्तित्व में नहीं आ पाती. तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग इट इन टू एक्सिस्टेंस. नंबर 16, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस फॉर बाइंग न्यू एसेट एंड ब्रिंगिंग इट टू आर प्लेस. पॉइंट पढ़ो. नया एसेट खरीदा, उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, पता ही अपने को, ये तो कैपिटलाइज होता है. एक्सपेंसेस पेड टू लॉयर फॉर रिकवरिंग अमाउंट फ्रॉम डेटर. अभी मैंने बताया था लॉयर वहां पे भी था, लीगल फीस, यहाँ भी लीगल फीस है, पर ये किससे रिलेटेड है? डेटर. डेटर क्या होता है? रूटीन. आए दिन डेटर्स के साथ यही डिटेल डीलिंग चलती रहती है. ये रेवेन्यू में आएगा इसलिए. Come to 18,
रेनोवेशन एक्सपेंस इन एन ऑफिस टू इंक्रीज नंबर ऑफ केबल्स. एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हैं इस पॉइंट पर. आपने ऑफिस के अंदर रेनोवेशन कराया, आपके पास ये इतना बड़ा था, इसके अंदर पहले आपके फॉर एग्जाम्पल 4 केबिन थे, अब आपने किसी आर्किटेक्ट को बुला के रेनोवेशन करवा के इसके अंदर केबल्स की संख्या बढ़वा दी, तो देखिए आप इसकी कहीं ना कहीं कैपेसिटी चेंज हो गई, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. लास्ट, क्रिएशन ऑफ टू एक्स्ट्रा डोर्स इन अ सिनेमा. ये थिएटर है, उसके अंदर मानो पहले से एक गेट और एक गेट था, अब आपने क्या किया, एक गेट और एक गेट और बनवा दिया. ये क्या है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कई बार बच्चों को लगता है हाँ, बट द आंसर इज ना. क्यों मैम? क्योंकि गेट बनवाने से आपकी नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ जा रही, तो आपकी कोई रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी नहीं बढ़ जा रही है, इट इज स्टिल द सेम, सिर्फ गेट बढ़ा है और कुछ नहीं. तो ये आपका रेगुलर मेंटेनेंस का पार्ट हो जाता है. इज इट डन? इज इट क्लियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग? ओवरडोज तो नहीं हो रहा? ओवरडोज तो नहीं हो रहा? नहीं. व्हाट यू डू इज यू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स शार्प. पानी पी लो, उठ जाओ, बैठ जाओ. 5 मिनट्स के बाद इसके आगे रेवेन्यू रिसीट का हम डिस्कशन करेंगे और कैपिटल रिसीट का. कितना ही बड़ा वाला थैंक यू बोले आपको मैम, वो कम है. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. इट्स छोटी छोटी सी चीजें क्या होती है, देखो मैं तो, मुझे पता है, बिकॉज आई हैव दैट लव फॉर टीचिंग एंड मोर देन लव फॉर टीचिंग आई हैव लव फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर वर्किंग हार्ड. इसीलिए मैं कसम खा के कह सकती हूँ किसी की भी खिलवा लो कि आई एम पुटिंग इन ऑल दिस एफर्ट, बिकॉज बस मुझे ये है कि यार जो बच्चे कर ही रहे हैं ना मेहनत, उनको दिशा सही मिल जाए एंड दे आर एबल टू रीच वॉट दे वॉन्ट. बट वो जो छोटा सा होता है ना, एक प्यार भरे सेंटेंसेस या थैंक यू नोट होते हैं कि येस, तो ऐसा लगता है कि ठीक है, हमारा एफर्ट इन तक पहुंच तो रहा है. पर यही बात होती है और कुछ नहीं. और पता पड़े कि पता ही नहीं है, अपने को रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा कि क्या कुछ फायदा हुआ भी या नहीं. ये दुनिया में ऐसा नहीं होता टेकिंग एंड पे, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, बाकी बस लेके चुपचाप बड़े और व्यू कर लिया, अपन ने यूट्यूब को बचा क्या है. एटलीस्ट सामने वाले को अप्रिशिएट तो कर सकते हैं, और आपने इतनी मेहनत करी होगी इसीलिए आपको इतने कम कम टाइम में इतना सारा करा के दे पा रहे हो. आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लगे तो बच्चे फेल ही नहीं हो, इसलिए तो मैं इंटर में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ ना. 300 नंबर मेरे हाथ में, 600 का इंटर होता है, आधा इंटर पूरा मैं अकेली ही पढ़ाऊंगी, ताकि तुम ये मानो कि उन सब्जेक्ट से इतना हो जाए कि रैंक टच हो सके. तो मैं तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, मतलब अपन एक काम करते हैं, 2:08 हो रहा है, 2:15 पे लेट्स रिज्यूम, और हम ये आगे का 2 पेज का कॉन्सेप्ट बचा है वो करके. क्वेश्चन पेपर्स और आरटीपी के मैंने 90% उठा लिए हैं, फिर भी कुछ 2-4-5 ट्रिकी क्वेश्चन हैं, मैं पेपर में जाके तुम्हें वो करवा रही हूँ, फिर अपन आगे समझते हैं. ओके, गेट बैक इन थोड़ी सी देर. बच्चू आर यू देयर? आर वी बैक? मैम मेरा भी एनपीओ बचा है, चिंता ना करो, शांति से बैठ के एनपीओ के नोट्स रिवाइज करना. एनपीओ के नोट्स रिवाइज ना करते बने तो वो जो 2 लेक्चर मैंने एनपीओ के डाले हुए हैं उनको 1.5 की स्पीड पे लगा लेना, 2x थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 1.5 की स्पीड पे लगाना, पूरा कॉन्सेप्ट सुनना, और जो कल का लेक्चर था जिसमें मैंने एनपीओ के क्वेश्चन कराए उसको देख लियो, 2 घंटे के अंदर आराम से मस्त हो जाएगा, मस्त विथ क्वेश्चन एंड विथ कॉन्सेप्ट, चिंता नहीं करना है बस. ओके ठीक है, आ जाओ इधर. मैम BOE में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, छोड़ दें क्या? पूरा ना छोड़ो मेरे बच्चे, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना तो थोड़ा छोड़ो. एग्जाम में आया तो आधा तो कर पाए, ऐसा तो ना हो कि पूरा ही छोड़ के आना पड़ जाए, तो जितना कर सको उतना कर. ठीक है चलिए, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स की बात हो रही है, अभी हम एक्सपेंडिचर खर्चे की बात कर रहे थे, अब हम रिसीट की बात कर रहे हैं. रिसीट विच आर ऑब्टेन्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में जो रूटीन में आप कमाते हो वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाते हैं. और अगर आपको कोई एसेट बेच के पैसा मिलता है तो वो कैपिटल कहलाती है. अगर आपको पैसा सेल ऑफ करंट एसेट से मिलता है, करंट एसेट मतलब एज इन स्टॉक से मिल रहा है, आपको डेटर से कोई पैसा कलेक्ट हुआ, तो ये रेवेन्यू कहलाता है. दिमाग में रखना बात, कोई लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट से मिल रहा है कैपिटल, आपके करंट एसेट से मिल रहा है जैसे डेटर से मिला, स्टॉक से मिला, ये रूटीन नेचर का पैसा है रेवेन्यू, डेटर से मिला रेवेन्यू.
इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको मशीन के डैमेज होने से, तो मशीन है बेस, तो ये कैपिटल है। इसी की जगह मैं बोल दूं, इंश्योरेंस क्लेम मिला स्टॉक बर्बाद होने से, ये रेवेन्यू में चला जाएगा। रूटीन बेस चेक कर लिया करो। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, रेगुलरली मिलता ही रहता है, रेवेन्यू है। लोन अमाउंट रिसीव्ड, लोन किसी से लिया, पहली बात, ये बिजनेस का नॉर्मल काम नहीं है। लोन अमाउंट जो आपको मिला वो एक तरीके से आपका एसेट है, पैसा आ रहा है आपके पास, तो पैसा आपके पास आ रहा है जिसको आप हाल फिलहाल यूज कर सकते हो। अदरवाइज लोन इज अ लाइबिलिटी फॉर यू, बट वो जो फंड्स आ रहा है मैं उसको अभी बोल रही हूँ। तो ये आपको रूटीन नेचर का नहीं है, तो ये कैपिटल रिसीट में डलेगा। सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली, ये चेक कर लेना किस चीज के लिए मिली। अगर खर्चों के लिए मिली, रेगुलर नेचर के लिए मिली, तो रेवेन्यू है। अगर एसेट खरीदने के लिए सब्सिडी मिली, तो फिर वो आपकी कैपिटल में चाहिए। आगे, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय एनपीओ, पढ़ाया ही है मैंने आपको। एनपीओ को अगर एंट्रेंस फीस मिल रही है, तो किस पे डिपेंड करेगा? बिजनेस की पॉलिसी पे। अगर वो लोग एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू दिखाते हैं, तो रेवेन्यू, वो कैपिटलाइज करते हैं तो कैपिटलाइज, आधा रेवेन्यू आधा कैपिटलाइज, डिपेंड्स ऑन दी पॉलिसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एनपीओ। ठीक है, तो ये एक पेज हो गया, रिवीजन में देख ही लेना। किसी को लगे स्क्रीनशॉट बीच में उठाना तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बेटू, ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने ऑलमोस्ट तुम्हारे साथ अभी कवर कर लिया, तो मैं बस ये चाह रही हूँ कि मैं इनको ओपन कर रही हूँ। तुम लोग इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। इनमें वो ही लिखा है जो मैं समझा चुकी, बस सिर्फ एग्जाम क्वेश्चन फॉर्म में है ना, तो अपने को क्लैरिटी बढ़ जाती है। ये ऐसा क्वेश्चन आए, गोइंग कंसर्न और कॉस्ट में डिफरेंस लिखो, ऐसा जब आ रहा है ना, तो तुम टेबल में तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज टेबल जब करो तो बेसिस लगता है। इसको ऐसे कर लेना, गोइंग कंसर्न को तीन चार पॉइंट जो भी उनमें लिख दो, उसके नीचे कॉस्ट कॉन्सेप्ट डालो, उसके जो भी पॉइंट है वो लिख दो, जिनमें डिस्टिंग्विश ऐसा हो पाए वन टू वन, उसमें टेबल जिसमें वन टू वन ना हो पाए, तो पहले एक को लिख दो और फिर दूसरे को एक्सप्लेन कर दो। ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लियो, पहले इनके पास 15 केबिन थे, अब 18 केबिन हो गए, तो नंबर ऑफ केबिन बन गए, बढ़ गए, तो रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ गई, तो कैपिटलाइज। नेक्स्ट लेते चलो स्क्रीनशॉट। हर किसी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए इस पे, ये व्हाट सर्विसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी, मैंने अभी कराया था, तुमको 4 नंबर का आया हुआ है, लिख देना। टैक्सेशन का काम, लॉ का काम, ऑडिट का काम, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, बुक्स बनाना, फाइनलाइज करना, सब कुछ। ये क्वेश्चन का आंसर है, इसका भी स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, वही चीजें शॉर्ट में लिखी हुई है और हमने वहां डिटेल में समझी। ये हो ही गया, ये गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब रूटीन, तो रेवेन्यू है। अगर एसेट के लिए मिली होती तो कैपिटल हो जाती। ठीक है, ये ले लो। इस क्वेश्चन में जरूर मैं एक पॉइंट तो मैं अभी के अभी कराना चाह रही हूँ। डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, पहला वर्ड आ रहा है कैपिटल कमिटमेंट, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको देख लो। कैपिटल कमिटमेंट मतलब फ्यूचर लाइबिलिटी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन मेड, मतलब समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूँ कि हमने क्या करा, दो पार्टीज हैं, एक हम और एक कोई सेलर, हम खरीद रहे हैं इनकी बिल्डिंग, तो हमने इनके साथ कर ली है लिखा पढ़ी कि हम तुम्हारी बिल्डिंग खरीद रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपए की। हमने इनको एडवांस में दे दिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बयाना एडवांस 1 लाख रुपए। अब डेट्स डिसाइड हो गई कि इस पर्टिकुलर डेट पे हमको 50 लाख देना है, इस डेट के ऊपर हमको 30 लाख देना है, इस डेट पे हमको 1 करोड़ देना है, वॉट एवर ऐसा। तो ये जो है ना, ये कहलाएंगे कैपिटल कमिटमेंट्स, क्योंकि हमारी ये फ्यूचर लाइबिलिटी खड़ी है किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट के रिस्पेक्ट में, जिसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुके, सो इट्स कॉल्ड कैपिटल कमिटमेंट। इसमें गलत होने का चांस काफी ज्यादा था, इसलिए मैंने पॉइंट उठा लिया। एक्सपायर्ड कॉस्ट, एक्सपायर्ड कॉस्ट पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर वैल्यू अब आपको मिलेगी, खर्चे का उतना हिस्सा जिसका बेनिफिट अब फ्यूचर में नहीं मिलेगा, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एन एक्सपेंस। अब मैं आपको इसको 1 मिनट को समझा दूं। सपोजिंग हमने खरीदी फॉर एग्जाम्पल वापस एक बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू है बेटे 50 लाख रुपए। अब ये जो 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी, सपोजिंग इसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल,
तो आपको समझ में आना चाहिए हर साल का डेप 5-5 है। हम खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो थर्ड ईयर की हम स्टार्टिंग में खड़े, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग। तो अगर आप समझें तो 5 लाख इस साल और 5 लाख इस साल, 2 साल का डेप 10 लाख रुपए लग चुका। तो अब आपकी जो एसेट वैल्यू बची है, जितने का बेनिफिट मिलेगा वो 40 लाख है। तो 10 लाख इज एक्सपायर्ड कॉस्ट, एक्सपायर्ड कॉस्ट मतलब वो पार्ट ऑफ खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका, वही तो एक्सपेंस होता है ना, वही तो एक्सपेंस होता है, तो उसी को कहते हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट। फ्लोटिंग चार्ज, दो टाइप के चार्जेस होते हैं लॉ में, आई डोंट थिंक तुमने अभी पढ़ा है, इंटर में पढ़ोगे। एक होता है फिक्स्ड चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। मैम फिक्स्ड चार्ज क्या होता है? फिक्स्ड चार्ज होता है, मैं कहूँ आपसे कि वापस हम हैं, हमें एक बिल्डिंग खरीदनी है, उसके लिए हमने बैंक से लिया है लोन, ठीक है? तो लोन लिया है इस बिल्डिंग का और इस बिल्डिंग के पेपर्स रजिस्ट्री के बैंक के पास है, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्डिंग पर फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज स्पेसिफिक एसेट है, स्पेसिफिक एसेट के, कल को लोन नहीं लौटाया तो बिल्डिंग पर उनका हक हो जाएगा। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि कोई अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन मतलब हमने कोई चीज गिरवी नहीं रखी, किसी अगले से लोन लिया, तो आपके बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं, सारे ही एसेट्स, ऑल एसेट्स, कोई भी एसेट को बिकवा के इनके लोन को रीपे करवाया जा सकता है कोर्ट द्वारा। तो सारे ही एसेट्स पर चार्ज है, बट किसी एक पर स्पेसिफिकली नहीं है, दैट्स कॉल्ड अ फ्लोटिंग चार्ज। तो इन्होंने बोला फ्लोटिंग पढ़ो, जनरल चार्ज ऑन सम और ऑल दी एसेट्स जो कि किसी, कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं है, लोन लिया है, डेट लिया है उसके अगेंस्ट, ठीक है? ऑब्सोलेसेंस का तो मतलब सबको पता ही है, ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेटेड हो जाना, किसी भी वजह से टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, व्हाटएवर। तो ये तो तुम एक बार रीड मार लेना कि क्या लिखा है उन्होंने। इसका इकोनॉमी डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिम्यूनिशन कम होना, कम होना। ये एक आध बार अच्छा क्वेश्चन आ गया था जैन 21 में कोविड के बाद ऑल ऑफ अ सडन, तो इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। ये इतने तक बच्चे नहीं पहुंच पाते, आई नो दैट, मैं घुस घुस के तुम्हारे लिए पहुंची हूँ, कवर जरूर कर लेना। मतलब आई जस्ट वॉन्ट कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, उनको भी हेल्प मिल जाए, नहीं तो इतना तक तो नहीं जा पाते, नहीं जा पाते। और दिल बड़े रखने चाहिए, मकारी नहीं करना चाहिए, बोलो अच्छा है मेरे को पता पड़ गया, फ्रेंड को कौन बताया, दैट्स रॉन्ग। ऐसा मैम भी सोच सकती थी कि मैं सिर्फ अपने बच्चों को बता दूं जो बैच में रजिस्टर्ड है, मैं सबको क्यों बताऊं? लेकिन जब आप अच्छे कर्म करते हो तो इन सम और दी अदर फॉर्म आपके साथ अच्छा होता है। यू डोंट नो कि शायद मैथ्स के पेपर में ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारा दिमाग एकदम खुल जाए और तुम धड़ाधड़ सही सॉल्व करने लगो। तो इसलिए अच्छा करने से कभी पीछे नहीं हटना जीवन में। जी हाँ, फ्लोटिंग कोई कह रहा है, एक बार फिर बता दीजिए बेटा। फ्लोटिंग मतलब आपने कोई लोन लिया, उसके लिए कोई स्पेसिफिक एसेट गिरवी नहीं रखा, तो क्या उनको उनका लोन वापस नहीं मिलेगा, आप खा के बैठ जाओ? तो नहीं, कोर्ट वाला सारे एसेट्स में से कोई भी एसेट बिकवा के लोन का पैसा वापस करवा सकता है। तो अधिकार है उनका हमारे एसेट्स पर, अगर हम नहीं लौटाएंगे तो एनी ऑफ आर एसेट्स कैन बी यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ देयर डेट, ऐसा, ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन जारी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट? जी नहीं, कौन करता है? आईसीएआई, याद रखना, आईसीएआई, आईसीएआई। बाकी ये तो डिफरेंस करना है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, फ्रीक्वेंसी इसकी नॉट फ्रीक्वेंट, इसका फ्रीक्वेंट, और से देखते चलो, इट्स नॉट लाइट, कल है पेपर अपना। इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन, तो इससे आपका रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ती है, इससे रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी नहीं बढ़ती। एक आध इसका एग्जाम्पल चिपका देना, एक आध इसका एग्जाम्पल चिपका देना। क्रिएशन ऑफ एसेट, इससे एसेट बनता है, इससे एसेट नहीं बनता। मेंटेनेंस ऑफ एसेट, इसमें मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, इसमें आप मेंटेनेंस करके चल रहे हो। मेक एसेट रेडी फॉर यूज, इससे एसेट रेडी फॉर यूज होता है, इससे एसेट रेडी फॉर यूज नहीं होता। राइट रॉन्ग मत लगाना, पेपर में सेंटेंस में लिखना होगा और ये बेसिस होगा, बेसिस बेसिस 4 नंबर का आया हुआ ये भी, ठीक है? ये वाले तो स्क्रीनशॉट ले लूं, ऐसे कर चुके हैं हम, एक बार रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लूं। अगला अक्रूअल तुम्हें आता है, अमोर्टाइजेशन का मतलब पता है, कंटिंजेंट एसेट समझा दिया, कंटिंजेंट लाइबिलिटी समझा दिया, सो दैट्स ऑल डन, यू कैन राइट इट योरसेल्फ, दिस इज डन। ये नियरली मैंने कुछ नहीं तो 6-7 अटेम्प्ट्स के तो उठा लिए, मेरे को कुछ 2-3 जगहों के कुछ और भी हटकर क्वेश्चन उठाने, तो ध्यान लगाए रखना। अगले 10 मिनट और लूंगी लेकिन बड़े वैल्यूएबल होंगे, एंड देन वी आर डन विद इट।
Reissue of forfeited shares is allotment of share but not sale. जमानों पहले का क्वेश्चन है, मई 2018 में आया था. ये बंद क्यों हो गया है? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. पूछ रहा था, फुल स्क्रीन पे आ जाइए. जी, मई 2018 में ये क्वेश्चन आया था, वे बैक, बहुत काफी पहले. रीइश्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट सेल. ये लाइन ही समझ नहीं आती बेटू. इसका आंसर पहले तो ये समझ लो कि इट इज फॉल्स. इट इज फॉल्स. जो ट्रू कह रहे थे, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए. इट इज फॉल्स. एक्चुअली जब आप रीइश्यू कर रहे हो तो ये जो शेयर हैं ये पहले इशू हो चुके हैं, मतलब ये ऑलरेडी पहले अलॉट हो चुके हैं. तो आप एक बार वो अलॉट हो चुके तो आप एक्चुअली फिर से अलॉट नहीं कर रहा है. सिर्फ ये है कि आपने उस बंदे से इन शेयर्स को छीन लिया था, बेईमान आदमी से, और नए को अब आप दे दे रहे हो. तो इट इज मेयरली सेल. इट इज मेयरली सेल. इट इज नॉट अलॉटमेंट. अलॉटमेंट वॉज ऑलरेडी डन. इट इज मेयरली सेल, छीना और अगले को दे दिया. ये बारीक पॉइंट था. बाकी ये सब तो तुमसे बनी जाएंगे, ये मैंने सब करवाए हुए हैं क्लास में, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट डिस्कस करते टाइम. ये वाला एक बार देखना. व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, द इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर बी 6%. इसमें पॉसिबल है बच्चा गलत भी कर दे कभी कभी, 6%. अधिकतर लोग बोलेंगे ट्रू, लेकिन जो बच्चा ज्यादा दिमाग चला लेगा वो बोलेगा यार सिर्फ 6% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं लिखा, तो शायद ये फॉल्स होगा. तो इंस्टीट्यूट ने इसको इतने दिल पे नहीं लिया. अगर डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हो तो ट्रू मार के आ जाना कि हाँ 6%. 6% वैसे टेक्निकली सही क्या है, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, बट उतना मत सोचना. ट्रू करो, खत्म करो, आगे बढ़ो. ठीक. इसके बाद नवंबर 18 का क्वेश्चन पेपर. और फीस रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप इज आ रेवेन्यू रिसीट एज इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर. आंसर बोलो क्या है? फॉल्स. हर बार नहीं मिलता, हर बार नहीं मिलता, एक बार इकट्ठा मिल जाता है फ्यूचर का. फॉल्स. फॉल्स. आगे क्लोजिंग स्टॉक, देखना हीरो चेले वाली कहानी आ गई. क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन दी ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक. द क्लोजिंग स्टॉक इज देन नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग एंड इट इज शोन इन बैलेंस शीट ओनली. ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट पढ़ा हुआ है हमारा. ट्रू 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 ट्रू. चल, ये होने के बाद मुझे आते चल. डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिजनेस कंसिडरेशन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट. द आंसर इज फॉल्स. प्रॉम्प्ट पेमेंट फॉरन पे करो उसके लिए कौन सा डिस्काउंट लगता है? कैश. भाई एग्जाम में ट्रू फॉल्स का एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है एक लाइन में. ऐसा मत कर देना कि आप सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख के आ जाओ. हाँ ट्रू है तो भी हम उसी सेंटेंस को घुमा के लिख देंगे, वो ही डिक्टो सेंटेंस को घुमा के लिख देंगे, बट लिख के आएंगे. आगे पढ़ो. वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एट कॉस्ट और एनआरवी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कंजर्वेटिज्म मतलब प्रूडेंस. तो व्हाट इज द आंसर? ट्रू. हाँ हम नहीं चाहते कि हम ज्यादा वैल्यू बताएं, हम चाहते हैं कम से कम दिखाएं. अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंग्वेज ही कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द ड्रॉअर बनाने वाला एंड द पेई जिसे पैसा प्राप्त होगा, ड्रॉअर बिल बनाने वाला पेई जिसे पैसा प्राप्त होगा मे नॉट बी द सेम पर्सन. मे नॉट बी द सेम पर्सन बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट द मेकर बनाने वाला एंड द पेई जिसे पैसा मिलेगा मे बी द सेम पर्सन. वॉट इज द क्वेश्चन सेइंग? शुरू का हिस्सा यहां तक तो समझ पा रहे थे कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर जो बिल बनाता है और जैसे पैसा मिलेगा, हाँ हो सकता है वो सेम ना हो क्योंकि हम एंडोर्स कर देते हैं तो अगले को पैसा मिलेगा, इतना ट्रू था. आगे का पढ़ो. प्रोमिसरी नोट. प्रोमिसरी नोट मतलब क्या होता है? मैं लिख रही हूं खुद, मैं पैसे दे दूंगी तो मैं हुई मेकर, तो मैं तो दूंगी ना पैसा. एंड द पेई, पेई मतलब जिसे पैसा मिल रहा है, जिसे पैसा प्राप्त हो रहा है, मे बी द सेम पर्सन, तो मैं खुद को ही दूंगी क्या? ये बेतुकी बात कर दी इन्होंने, तो इट इज फॉल्स. गिवर एंड गेटर इज नॉट गोइंग टू बी सेम. गिवर एंड गेटर विल बी डिफरेंट.
आगे आ जाओ. पार्टनरशिप कैन नॉट ओन एनी एसेट्स, बताओ उसमें. पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स. द आंसर इज ट्रू. क्यों क्यों क्यों? बिकॉज कंपनी में होती है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी में होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों अलग अलग है, तो कंपनी के नाम से खरीदते हैं. पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पार्टनर्स के ही नाम से खरीदते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप में भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो भी पार्टनर के ही नाम से होता है. इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए क्वेश्चन लेना जरूरी था मेरे लिए. सिंस कंपनी हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, इट कंटिन्यू टू बी इन एग्जिस्टेंस डिस्पाइट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर्स. तो आंसर इज व्हाट? ट्रू. गोइंग वो कंपनी जो है मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. ओके एंड परपेचुअल सक्सेशन. ठीक है, द क्वेश्चंस वर गुड, द क्वेश्चंस वर इम्पोर्टेंट. तो बाकी ये अभी लेटेस्ट वाले में से तो कुछ ऐसा है नहीं. ये वाला देखना एक मिनट, क्वेश्चन ये देखो इधर. परपेचुअल डिबेंचर, परपेचुअल मतलब जो चलते जाएंगे, मतलब बेसिकली पता है कौन से हैं? ये है इररिडीमेबल. इररिडीमेबल इररिडीमेबल आर पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. तो द आंसर इज ट्रू. दे आर नॉट पेड ड्यूरिंग द लाइफ, दे आर पेड एट द एंड ओनली. परपेचुअल उसका दूसरा नाम है. आगे ओवरहेड्स आर टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. बोलो ट्रू या फॉल्स, बोलो ट्रू या फॉल्स. आंसर इज फॉल्स. ओवरहेड्स आर सम ऑफ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट. अगर मैं तुमसे पूछूं डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, तीनों मिला के क्या बनता है, बताओ जल्दी से मुझे. तुम्हें मेरे कॉन्सेप्ट्स की कसम, तुम्हें मेरे एक्सप्लेनेशन की कसम, सही जवाब दे देना. वेरी 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 गुड मैम. वो कहलाती है प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट, इन्हीं को हम डिटेल में इंटर में कॉस्टिंग में पढ़ेंगे. प्राइम कॉस्ट, साथ साथ, बिल्कुल पास हो जाओ जल्दी से, साथ साथ, राइट. बाकी तो कोई ऐसा पॉइंट इतना है नहीं. ये पढ़ना एक मिनट. अंडर और ओवर कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, अंडर और ओवर कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन. याद है एरर ऑफ कमीशन? किया तो है, गलत हो गया, तो टोटल गलत हो गया. तो आंसर इज ट्रू. चलो बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, जानदार. May 22 खोल लूँ मैं एक मिनट. इसमें कोई पॉइंट ऐसा था? ये पढ़ो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ो ध्यान से. द स्पेसिफिक ड्यू डेट, अगर आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में एक डेट दे दी 29 मार्च, खत्म. स्पेसिफिक डेट दे दी, ड्यू डेट है 29 मार्च, तो एडिशनल डेज ऑफ ग्रेस नहीं लिए जाते. तो दी आंसर इज ट्रू. अगर स्पेसिफिक डेट दी है फिर कोई ग्रेस ब्रेस नहीं बचता, और नो ग्रेस, नो ग्रेस. डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, जरा डिबेंचर पे आ जाओ. डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एंट्री सोचो क्या होती थी. डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर. तो इनका कहना है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लाइबिलिटी में आता है क्या? लाइबिलिटी नहीं भाई, डेबिट कर रहा है, डेबिट डेबिट बैलेंस है, एसेट में आता है, एसेट एसेट. पढ़ो. इफ एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बना लिया, कुछ मिस्टेक मिल रही है. ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट. नो. जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल में सस्पेंस आता ही नहीं. हो सकता है कोई कॉम्पनसेटिंग एरर हुए उनमें ही नहीं आ रहा हो, तो ये बात फॉल्स है. सारों में नहीं आता सस्पेंस, जहां पे डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस होता है तो ही सस्पेंस आता है. ये पढ़ना है फर्स्ट वाला. क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज थोड़ी हिली हुई है, पढ़ो. अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस. क्लेम है, क्लेम, क्लेम का मतलब हमें किसी से पैसा लेना है, लेना देना नहीं है. क्लेम हमने किया है किसी पे, लीगल प्रोसेस चल रही है, वे द आउटकम इज अनसर्टेन. हो सकता है पैसे मिले ना मिले. इट इज अ कंटिंजेंट एसेट. इट्स नॉट अ कंटिंजेंट एसेट, इट इज एक्चुअली अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी. वेल सॉरी, इट्स नॉट अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, इट्स एक्चुअली अ कंटिंजेंट एसेट. क्लेम है लेना लेना लेना, प्रोविजन तो है ही नहीं, लेना है देना नहीं है. तो इट्स अ कंटिंजेंट एसेट एंड इट शुड बी शोन थ्रू नोट्स टू अकाउंट्स. इज दैट क्लियर माई डियर चिल्ड्रन? एक आखिरी उठा रही हूँ मैं, June 23. ये तो कर दिया मैंने, ये भी होगा, बस सारे हो चुके. मैंने घुस घुस के, खोद खोद के सारे थ्योरी क्वेश्चंस आपके लिए उठाए हैं. इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछें कि मैम हमें क्या कर लेना चाहिए, मैंने डिबेंचर में आपको जो कॉपी में थ्योरी करवाई है कवर, वो कर लें.
उसके अलावा जो शेयर्स है उसमें कॉन्सेप्ट पर, आई एम सॉरी फॉर द ऑडियो, शेयर्स में जो कॉन्सेप्ट है उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है और उनके ट्रू फॉल्स याद से देख लो। बाकी चीज है हमारी डन डना डन। आई विश यू लॉट ऑफ, नहीं भैया मेरे कोई बेबी बेबी नहीं, एक्चुअली देर आर कैट्स जो कभी कभी दे स्टार्ट मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये आप लोग रिविजन कर लीजिएगा अगर आपको लगे तो, 2x की स्पीड पे लगा के रात में। और मैं एक आपके लिए लास्ट काम और ये कर दूंगी कि कल का जो आपको 3 आवर्स का सही यूटिलाइजेशन करना है उस पर आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू, उसको मैं शाम तक डाल दूंगी। LDR मैं आपको भेज चुकी, अब जो भी कुछ थोड़े चैप्टर्स बचे हैं उनको मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज खुद से कर लें। आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू। आई होप यू कीप मी इन गुड बुक्स एंड इन योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, चलो मेरी जान, टेक केयर, बाय बाय। और किसी को कोई भी चीज की नीड लगे अगर तो वो मेरे को मैसेज कर देगा तो आई विल हेल्प यू। ऑल राइट, अभी नहीं करना, पर्सनली मैसेज कर देना। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लॉट्स 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 ऑफ ब्लेसिंग। इंटर की क्लास में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले चाहा बिल्कुल, वी आर गोइंग टू मीट इन दैट। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू, और स्टे काम, कीप स्माइलिंग, और कहीं पे कोई चिंता हो तो मेरे को मैसेज कर दे। बाय बाय।